अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप आज? मैं कितनी सुबह सुबह लाल परी परी है ना भाई। मैं सच्ची बता रही हूँ कि ये जो कलर्स होते हैं ना, आपका मूड बड़ा एकदम बदल देते हैं। सुबह उठने का मूड नहीं होता, एनर्जी नहीं लानी होती या दिल नहीं चाह रहा होता, कभी कभार आपको अपने आप को घसीटना पड़ता है। तो अगर आप किसी ब्राइट कलर का इंतखाब कर ले तो ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी बढ़ती है। आपको पता है मेरा सांस क्यों फूला है? जिस तरह मैं भाग के आई हूँ ना, कोई 16 साल की लड़की भी नहीं भाग सकती, बता रही हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करें कि इसी तरह मैं भागती भागती रहूं। वैसे अक्सर कुछ आपके जो नाम रखे जाते हैं ना, उनका असर आपके ऊपर रह जाता है। सो कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे अगर अगर आपके ख़ानदान में कोई भी नाम आपने रखा है, लेकिन निक नेम्स का एक रिवाज कायम हुआ हुआ है कि भाई अगर कोई छोटे कद की है बच्ची ना, ज़रा बाकी बच्चों के मुकाबले में थोड़ी छोटी रह गई है, तो उसको मुन्नी उसका कह देंगे भाई, मुन्नी। और फिर वो चाहे वो 70-80 साल रुपए की भी बन जाए तो उसको आप मुन्नी बाजी ही कह रहे होते हैं। फिर अगर आपके पास कोई बहुत ही गुपलू से, गोल मटोल से, ये बड़े बड़े मोटे मोटे गालों वाले मामू कोई नज़र आ रहे होते हैं, सो उनका नाम पड़ जाता है गुड्डू मामू, क्योंकि वो गुड्डू जैसे होते हैं, सब उनको गुड्डू गुड्डू कर रहे होते हैं, प्यार से उनका नाम ये गुड्डू मामू पड़ता है। और फिर वो उनके जो पोते पोतियाँ नवासे नवासे होते हैं, वो भी उनको गुड्डू मामू कह रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी दादी थी, मेरी दादी जो है उनको उनके बच्चे तो मम्मी कहते थे, लेकिन उनके बच्चों के अलावा हम भी उनको दादी के बजाय मम्मी कहते थे। पूरा ख़ानदान उनको मम्मी 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 मम्मी, यहाँ तक कि मेरे दादा ने भी उनको मम्मी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने निक मम्मी के नाम से मशहूर हो गई थी। कितने अरसे बाद मैंने अब्बू से पूछा, सुने हमारी दादी जो है उनका असल नाम क्या था, तो मुझे जाके पता चला कि उनका नाम सुगरा था। मतलब सारे बचपन में सिर्फ मम्मी ही उनको समझती रही, और फिर मुझे जा के कोई मेरे बच्चे हो गए तो पता चला, अच्छा मेरी दादी का नाम कोई पूछे तो मैं बताऊं क्या ना। तो ये था, अक्सर सारे घरों में ऐसा ही होता है। फिर अगर बहुत आप पे कि आपको किसी बच्चे पे प्यार आ रहा है, तो उनको कहते हैं कितनी प्यारी, पप्पी कर लूँ, पप्पी बाजी, बस वो पप्पी बाजी नाम पड़ गया। आप सोचिए आपके ख़ानदान में ये नाम ज़रूर होंगे, गुड्डू मामू, डॉली खाला, और हाँ वो चंदा मामू, चंदा वाले मामू जो है ना, उनके बस उनके सर पे चांद होता है, उनके बाल ज़रा कम होते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले में, तो मेरी चांद चांद कहते कहते जब उस चांद के वाकई चांद ही जैसे बाल रह जाते हैं, सर वैसी टिंड रह जाती, तो चंदा मामू हो जाते हैं, चांद मामू आ गए, चांद मामू आ गए। सो ये वाले जो सारे लोग हैं, ये सच्ची बात तो ये है कि ये ख़ानदान में बड़े इन नामों की वजह से जाने जाते हैं। मैं आज जिस नाम को यहाँ बुलाना चाह रही हूँ, वो आप देख चुके हैं, इतने दिनों से प्रोमो चल रहे हैं ARY पे, बेबी बाजी। बेबी बाजी नाम से लग रहा है ना कि सबसे छोटी होंगी घर की, या बेबी जैसी होंगी, मासूम सी होंगी, और सबके सुनने में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार उलट भी होता है, क्योंकि ये जो हम प्रोमोज और टाइटल और सारी चीज़ें देख रहे हैं, इससे तो बेबी बाजी की पर्सनालिटी जो है वो बड़ी कड़कदार लग रही है, बड़ी समझदार लग रही है, बड़ी होशियार लग रही है। ख़ानदान में हर ख़ानदान में एक फ़र्द, एक औरत या कोई एक मर्द ऐसा ज़रूर होता है जिससे पूरे ख़ानदान वाले मशवरा करने आते हैं, अब क्या करें, बेटी का रिश्ता वहाँ करें कि नहीं, ये जॉब उसको मिल रही है, लाहौर शिफ्ट हो जाए, मुल्क छोड़ के चला जाए, आप क्या कहती हैं, ये इस इलाके में सही है होना शिफ्ट, बच्चे को वहाँ स्कूल में डालना सही है, मेरी बहू ऐसे घर से आ गई, ये कैसे टैकल करूँ उससे। छोटे छोटे मशवरे, ये शादी जो है इसका एहतमाम करना है, कहाँ से ख़र्चा कैसे संभालूँ, कहाँ कहाँ का बेटियाँ डालूँ। सो ये जो बेबी बाजी होती है ना, हर ख़ानदान में एक बेबी बाजी होती है, और वो बेबी बाजी जो है वो आपकी ज़िंदगी में, आपके फ़ैसलों में आपको हेल्प करने में आगे आगे होती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो समझदार हैं, क्योंकि आपको लगता है वो ज़हीन है, क्योंकि आपको लगता है कि वो सबकी इंसाफ के साथ फैसले करती हैं। तो ये जो बेबी बाजी हैं जिनको आप ड्रामे में देख रहे हैं, जो आज ड्रामा आप पहला एपिसोड देखेंगे ARY डिजिटल पे, बेबी बाजी, इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो सास हैं, ये बड़ी समझदार सी सास हैं, और इन्होंने अलग अलग बहुओं को अंडर वन रूफ
गैदर किया है, यानी जाहिर है उनके बेटे अलग मिजाजों के हैं और जब वो सास बनी है और अलग अलग बहुएं आई हैं तो उनके साथ ये कैसे रख रखाव, कैसे घर लेके चल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपको बताऊं, कभी कभार हम अपने बच्चों में भी फ़र्क कर लेते हैं ना, फिर बहुओं को एक साथ लेके चलना किसकी क्या ड्यूटी है। ये अक्सर घरों में देखा गया जब सारे एक साथ रहते हैं, और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो सिस्टम यही है कंबाइंड फैमिली सिस्टम, तो जब सब एक साथ रहते हैं किस तरह उतार चढ़ाव आते हैं सबकी ज़िंदगियों में, और सबको एक माँ की हैसियत से, एक सास की हैसियत से सबको साथ लेके चलना, किसको कितना डांटना है, कितना समझाना है, कितनी मोहब्बत करनी है, अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी बातें जिस शख्सियत को आती है उसका नाम है बेबी बाजी। तो ये बेबी बाजी बेबी नहीं है बल्कि एक बड़ी समझदार खातून है जो अपने घर की बागडोर को संभाले बैठी है। इस ड्रामे से जो 7 बजे आप ARY डिजिटल पर देख सकेंगे, इससे आपको कितनी टिप्स मिलेंगी अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, या क्या आप इनकी कहानी देखकर रिलेट कर पाएंगे, हमारे घर में भी तो ऐसे ही होता है, हमारी भी तो वो भाभी या हमारी वो देवरानी या जेठानी या हमारी सास अल्लाह कितनी मिलती हैं, ऐसे भी खुशी मिलती है, यानी कि जब कोई कुछ नहीं बोल रहा होता तो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता आप खुश हो रहे होते हैं, सासें सोचेंगी मेरी तो ये बहू ऐसी। सो जो रिलेट करेंगे ना आप इस कहानी से, वो होगा असल एंटरटेनमेंट का मज़ा। सो आज मैं आपको मिलवाऊंगी, इस वक्त सुबह के इस पहर मैं आपको मिलवाऊंगी बेबी बाजी की कास्ट से। मैं उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करूंगी कि अगर आप अपने 7 बजे का टाइम ARY डिजिटल को दे रहे हैं तो कितना मजा आएगा आपको। एक छोटी से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ बेबी बाजी की कास्ट से मिलने के लिए, जिस ड्रामे को आप देख पाएंगे आज की रात 7 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको बता रहा है कि ARY डिजिटल पर। मैंने चाहा था कि मेरी बहुएं मिलकर रहें, ये घर खुशियों का गहवारा हो, पर वो चाहती थी कि बंटवारा हो। घर चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन रिश्तों पे चोट लगती है ना तो सब ढहेगा। मैं कब तक पूरे कुंबे की खिदमतें करती रहूंगी? शोहर को लेकर अलग होना मेरा हक है। इस घर का बड़ा हूँ, माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस घर की चहेती बहू हूँ, मगर शोहर की चाहत से नहीं। मेरी नहीं, मेरी अम्मी की पसंद। मैं क्यों झूठी चाहत दिखाऊं? क्या इसलिए दुल्हन बनी थी मैं? ये वो जिंदगी तो नहीं। मेरे भी कुछ खराब थे, ताबीर भी बोल। सब कुछ बिखर गया। किसी को हिस्से में घर मिला, किसी के पास दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही रिलेटेबल ड्रामा बेबी बाजी, जो आज से आप ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर देख सकेंगे शाम 7 बजे से। उसकी कास्ट हमारे पास मौजूद है और बहुत ही प्रॉमिसिंग जो उसके प्रोमोज हैं, ट्रेलर्स हैं, टीजर्स हैं, वीडियो है, वो हमें पहले से ही अट्रैक्ट करिए कि हम अपना ये 7 बजे का स्लॉट सर्व करें, रिजर्व करें ARY डिजिटल के लिए। सो आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बहू जो आपको इस ड्रामे में नजर आ रही है, एज लाइक आपको प्रोमो से अंदाजा होगा, सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक। आज हम दोनों सुबह सुबह जो है वो पिंक और रेड और भड़कीला ना, कभी हाँ। मुझे लगते कलर्स मूड एनहांस कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है अच्छे कलर पहनने से। हाँ, कितना तुम्हारा मजे का कैरेक्टर है सुनीता। जब मैंने ये पहले भी टीजर्स देखे थे मैं रुक गई थी, और मैंने A to Z पूरा बैठ के देखा। बहुत अच्छी इसकी प्रमोशन जो तुम लोगों ने, बहुत रियलिटी से करीब भी है। और कितना पॉजिटिव और मजेदार एक मतलब ये ड्रामा जो है वो अभी से दिल चाह रहा है
कि आपने कहीं नहीं जाना है, आपने देखना अच्छा है। इसमें ये है कि कुछ चीज़ें सीरियस भी हैं, उसके साथ साथ आप लोग को मज़ा भी आएगा। हाँ, हम रिलेट कर सकेंगे ना इन कहानी से, क्योंकि ऐसा होता है हर घर में। कुछ फनी सिचुएशंस भी हैं। अच्छा, उसमें भी मतलब वो फन एलिमेंट भी है। हाँ, सो हम यही करते हैं कि जितनी भी कास्ट अभी हमारे पास मौजूद है, हम उनको यहाँ दावत दे देते हैं। और जो मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ, कहते हैं कि लाइक ये जैसे अब ये तुम मंजली बहू हो। हाँ, बीच जो वो बड़ी वाली बहू है ना, वो सो के जरा सा लेट उठी है ना वो तो इसलिए हम छोटी बहू को बुला रहे हैं। वैसे भी अजरा है ना, अजरा कुछ भी कर सकती है। अजरा कुछ भी कर सकती है, बड़ी वाली बहू अजरा है। हाँ, तो जो सबसे छोटी बहू है, वैसे कहते हैं ना बहुओं के दम से रौनक होती है घर में। जिसके घर में बेटे बेटे होते हैं ना, मजा नहीं होता जब तक वहाँ उनकी बेगमात नहीं आ जाए। हाँ, तो ईद बकरे ईद या सारे त्यौहार जितने उनका पता चलता है। बिल्कुल, जब होती है घर में रौनक। तो आइए, जो सबसे छोटी बहू है आपको ड्रामे में नजर आ रही है, जो कैरेक्टर जो प्ले कर रही है, उसका नाम है फरहत और उनका नाम है सैयदा तूबा। कैसी है आपको, कैसा लगा छोटी बहू बनना? वैसे इतना कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं वैसे भी घर में छोटी हूँ, तो यहाँ पे भी छोटी बहू, तो इसलिए मतलब इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन कितने मजे तुम लोगों की, सबकी जो कैरेक्टर स्केच है जो एक प्रोमो के थ्रू हमें नजर आ रहा है, वो कितने रिलेटेबल है। अगर आपके मतलब एक कंबाइन फैमिली सिस्टम में तीन अलग अलग बहुएं हैं, तो सबके मिजाज अलग होते हैं। और वाकई ऐसा ही होता है, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्श है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, और यही एक्चुअली जिंदगी है, क्योंकि हम इंसानों के साथ रहते हैं, फरिश्तों के साथ। सारे कैरेक्टर्स भी बनाए ही इस तरह के हैं कि सब लोग रिलेट कर सकें उन कैरेक्टर्स से। सबके डिफरेंट मिजाज हैं, सबके डिफरेंट टेम्परमेंट्स हैं, इसीलिए ताकि सब रिलेट कर पाएंगे। लेकिन वही वाली बात हो, जैसे तुम लोग जाहिर है बहुओं का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, सो स्क्रिप्ट से बंदे को काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या बेटियां ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं जब उनकी शादी नहीं हुई भी होती। वो अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सोचती हैं, या बहुओं को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? क्या तुम लोगों को ऐसा लगा इस ड्रामे के थ्रू? आई थिंक इस ड्रामे के थ्रू तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी फैमिली इसमें एज सच इतनी नहीं दिखाई है। अच्छा, पेरेंट्स लेकिन तूबा के दिखाए हैं। आई थिंक कि हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुओं को ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन अ वे, क्योंकि आपका घर में एक अलग लाइफस्टाइल होता है आप उस तरह से, लेकिन जब आप एक घर में एक नए शादी होकर जाते हैं, तो उनके तौर तरीकों के हिसाब से आपको चलना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, उनके साथ सेटल डाउन होना पड़ता है। तो हाँ, वो अडेप्टेशन जो है ना, वो एक कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बेटियाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ लगता नहीं है? जब अगर वो अपने माँ बाप के लिए कोई कुर्बानी देती है, तो उनको लगता है कि वो कुर्बानी है ही नहीं ना, मतलब कि तो मैं मेरा फर्ज था। वो आई थिंक ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ होता है ना, तो उस वक्त तो अपने घर में तो कभी भी फील होता ही है ना, नहीं फील होता। बहन को अगर दे दिया उसकी पसंद का जोड़ा, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज बोलते ही नहीं। हाँ, ऐसा ही होता है, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन वो ससुराल का लेबल लगता है और उसका शुरू हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज। तो जी, ये दो बेगमात तो यहाँ आ गई हैं, लेकिन ये जो बहू है ना, इनकी आई डोंट नो इस ड्रामे में क्या है, लेकिन अगर आप वैसे देखें जनरली, तो बहुओं की ना ससुर से बड़ी बनती है। सास से थोड़ा सा तू तू चाचा इस तरह की रहती है, तू तू मैं, लेकिन जो ससुराल जाके आपके एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे होते, क्योंकि सास और किसी की नहीं, वो ससुर की सुनती है। तो ससुर से अगर दोस्ती कर लेना अगर, सो जिंदगी बड़ी आसान हो सकती है। मैंने तो अपनी अम्मा से यही सुना कि वो जब मैं पैदा होने वाली थी, तो मेरे दादा अम्मी को चटनियाँ बना बना के देते थे। सो आई डोंट नो, हर घर की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। इस घर की क्या कहानी है, ये हम इन सबको बिठा के थोड़ी बहुत तो जानने की कोशिश करेंगे। आइए वेलकम करते हैं जी एक ऐसे एक्टर जिनको माशाल्लाह से आप 200 से ज़ायद फिल्मों में और ड्रामों में देख चुके हैं। 1970 की दिहाई से इस फील्ड में नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने अपने सामने कई जनरेशन्स को आते जाते देखा है, जाहिर है कोई आया हीरो, फिर कोई चला गया, कोई आया दोबारा, हर जनरेशन को देखा है, और तुम लोग नई जनरेशन्स के हो। सो आइए वेलकम करते हैं मुनव्वर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाते, खा लेते। इधर से आ जाओ। आ जाए, आइए और बैठ जाइए। कैसे आप? माशाल्लाह, ठीक ठाक है।
क्या हाल है? बैठो 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 बुजुर्गवार है मेरी, आप बैठे मैं बैठ गया। मिल चुके हैं मेकअप में, लेकिन दोबारा से। अच्छा वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन असल में भी आप जो हैं वो ससुर हैं, आपकी बहुएं हैं। तो मेरी बेटी है ये सब बच्ची है। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप, जैसे मैंने कहा कि अक्सर जो बहुएं हैं उनकी दोस्ती ससुर से होती है, होती है ना, ये बात रियलिटी है ना? होती है, बिल्कुल होती है। कि ससुर अगर अपनी बीवी को कहते हैं बस करो ना, हल्का हाथ रखो ना, बस करो ना, चुप हो जाओ ना, वो थोड़ा सा आग, जलती हुई आग को बुझाने का काम कर रहे होते हैं, कर तो रहे होते हैं, मगर कुछ आग ऐसी होती है जो बुझने को आती ही नहीं। वो भी है हमारे साथ हैं, वो अब आएंगी तो। हाँ, फायर ब्रिगेड भी बुला ले तो कोई फायदा नहीं हो। ये जो है, हाँ, ये तो निहायत भोली भाली बहू है, बहू है। हाँ। बहुत ही भोली बेटी है। अच्छा शक्ल भी इसकी भोली भाली, वैसे भी तो भोली हूँ। हाँ। हाँ। ये पड़ोसी है ना मेरी, कभी भी इसके घर से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। हाँ, बहुत काम डाउन रहते हैं। हाँ। कभी भी बर्तन तोड़ने की आवाजें नहीं आती। माशाल्लाह, ऐसे ही रखे। माशाल्लाह, इसके यहाँ से आवाजें आती है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी पड़ोसी नहीं है। हाँ, पड़ोसी नहीं है, लेकिन फिर भी आवाजें नहीं आती। पड़ोसी नहीं है, मेरे भी घर से बहुत दूर है, मगर मुझे आवाजें आती रहती है। अच्छी आवाजें आती होंगी ना बेटा। अच्छा आप ये बताएं, आप एक्चुअल जिंदगी में कैसे ससुर हैं? कि मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ना, एक एक तीन तरह के ससुर होते हैं। हाँ। खाना यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा, पंगेबाज ससुर, ठीक है। एक दूसरे ससुर में मुझे शर्म आ रही है आपको बोलते हुए, लेकिन जो भी कोई खातून है उसको वो घर तक छोड़ के आते हैं, कहा जा रही है पे। सही है। और तीसरी, हाँ मतलब ठरकी ससुर, समझ गया, सॉरी। हाँ। और तीसरे ससुर होते हैं मामलात को सुलझाने वाले, लड़ाइयों को जरा खत्म कराने वाले, छोड़ दो बस दिल में नहीं रखो। सो माशाल्लाह से आप बताएं, आप क्या कहेंगे अपने अपनी सिफात के बारे में? मैं क्या बताऊं, अपने मुंह से तारीफ करनी अच्छी नहीं लगती। हाँ। मेरी जो बहुएं हैं, हाँ, दो बहुएं हैं, एक साहब जो हैं मेरे सबसे बड़े साहबजादे, हाँ, उन्होंने शादी नहीं की। अरे वही बोले वो जो जहाज में, बताओ ना सुनीता यार, मैं तो पहली दफा सुनीता की जबान में। मैं क्या बताऊंगे, आप बताएं ना। हाँ मुनव्वर साहब बताएं ना प्लीज, ये तो बड़े मजे की बात है। ये तो मौजा ही हुआ है, ये जुमे का दिन था, रमजान और आखिरी जुमा था, तो दोपहर का वक्त था, तो मैं नमाज पढ़ रहा था घर में। अच्छा। मुसल्ले पे बैठा हुआ था तो टीवी बंद था, तो मेरी बीवी के पास फोन आया उनकी किसी कजिन का, कजिन का, हाँ, कि वो जफर का क्या हाल है, जफर नाम है उसका, आपके बेटे का जो सबसे, हाँ, बड़े बेटे, हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि बस वो लैंड करने वाला होगा, अभी आया नहीं है उसका। अच्छा। लैंडिंग का, हाँ, मैसेज पता नहीं चला, करता है वो, अभी आया नहीं है, बस लैंड करने वाला होगा। फिर तो उन्होंने कहा कि जरा टीवी लगाएं। अच्छा। बस और कुछ नहीं कहा, बस फिर तो टीवी लगाया, और टीवी में था, टीवी लगाया, हाँ, तो वहाँ आग लगी हुई थी, हाँ, और अजीब हालत, तो बीवी मेरी रो रो के, बुरी हालत जाहिर है, और हाँ, बहू भी मेरी थी, और ये वही वाला प्लेन है जो एयरपोर्ट के करीब क्रैश लैंड, मॉडल टाउन, हाँ, मॉडल टाउन, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी एक मॉडल जारा, हाँ, उसकी भी ये आई थिंक 22 मई का वाक्य है, एक साल है ना, मतलब कल था ना 22 शायद, मतलब पूरा एक साल हो गया, आप सोचे। नहीं, नहीं, एक साल नहीं हुआ, तीन साल हो गए, नहीं, हाँ, तीन साल हो गए, 2020 में हुआ था। अच्छा, मैं दिमाग में है कि एक साल पहले, 22-23 तीन साल जी, तीन साल, ओ तो बस ये आग लगी हुई और बुरी हालत, बीवी मेरी रो रही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इत्मीनान सा था दिल में ना कि कुछ नहीं होगा। हाँ। मैं कह रहा था बीवी से कि मत रो, कुछ नहीं होगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। उस जहाज में इनके बड़े बेटे थे, और सही है, और जहाज में सिर्फ दो लोग बचे थे जी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुआवजा इनके लिए किया कि इनके बेटे जो है सही सलामत। क्या हुआ था, वो कैसे बचे, मतलब लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे उनसे पूछा आपने कि क्या सिनेरियो हुआ था सारा? बस एक तो अल्लाह ताला का करम था बिल्कुल उनपे, हाँ,
कि जो वो बच गया. दूसरा ये हुआ कि जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटे तुम्हें कैसे क्या हुआ था, कहने लगे मैं समझ गया था कि अब ये जहाज बचेगा नहीं. अच्छा. गिरने से पहले. जी जी जी. और मैंने अल्लाह ताला से अपनी गुफ्तगू की. बाकायदा उसकी गुफ्तगू होती थी जी अल्लाह ताला से. जी. वो थोड़े रिलीजियस टाइप थे? नहीं, बहुत वो रिलीजियस तो नहीं है. अच्छा. मगर ये कि वो वैसे जो एक रिलीजियस इंसान में खूबियां होनी चाहिए वो सब उनमें उसमें थी. ओके ओके. हैं वो माशाल्लाह. तो क्या सीट समेत, जैसे मुझे सुनीता बताई थी, सीट समेत वो होता है ना नीचे गिर के बेल्ट बंदी होती है और वो सारा सिनेरियो. वो जिस सीट पे बैठा था वो बिल्कुल दरवाजे के सामने थी. अच्छा. 1C. जी जी. तो वो जो झटका लगा और कुछ हुआ तो वो सीट निकल के दरवाजा खुल गया था और दरवाजे में से नीचे गिरी. नीचे गिरी तो वो 3 मंजिला एक इमारत थी, उसकी छत पे गिरी. अच्छा. घर था कोई? हाँ हाँ. तो वो ज्यादा नीचे नहीं गिरे, बहुत नीचे नहीं पर गिरे. हाँ. छत पे गिरा. छत पे गिरने के बाद बमे उस कुर्सी के सीट भी उसके साथ बंधी हुई थी. उसकी वजह से बचत बहुत हुई. सीट बेल्ट. सीट बेल्ट बंधी हुई थी और वो सीट लगी हुई थी साथ. हाँ, हाँ, हाँ. वो गिरा 3री मंजिल पे. हाँ. और वहां से फिर लुढ़का. हाँ. लुढ़क के नीचे गिरा. अच्छा. नीचे एक गाड़ी खड़ी थी. हाँ. वो गाड़ी के बोनट पे गिर गया. अल्लाह ने बचा लिया. और उस गाड़ी में कुछ एक फैमिली बैठी हुई थी जो जा रही थी गालिबन स्टेशन. अच्छा. तो उन्होंने जो ये देखा तो वो परेशान हुए, बाहर निकले क्या हुआ क्या है. जाहिर है. तो वहाँ आग भी लग रही थी सामने दूर. जी जी. तो उन्होंने इसके कहते हैं कि इसके मुंह से निकला के हेल्प मी. अच्छा अच्छा. तो उन्होंने शोर मचाया कि जिंदा है, जिंदा है, ये जिंदा है, चलो लेके चलो, लेके चलो. तो उन्होंने उठाया और उठा के सामने वो खड़ी थी एम्बुलेंस उसमें इसे डाला और बस इन्होंने डाला है उसको निकाल उठा के और वो गाड़ी को आग लग गई. फ्रैक्चर वगैरह हुए थे उस गाड़ी को. आग लग गई जिसमें वो गिरे. क्यों उस गाड़ी को? मिनट का फर्क पड़ा है बस. उस गाड़ी को कैसे आग लगी थी? अल्लाह ताला ने पूरी आग फैल रही थी ना. ओ अच्छा अच्छा. तो वो लपेटे में आ गई थी, आ रही थी. तो बस वो उसको भी लपेट में ले लिया. और वो जिन्होंने हेल्प की वो भी उतर गए थे गाड़ी से? वो उतर गए थे, वो तो लेके गए वहाँ. बड़ी बात है. उठा के लेके गए और सब कुछ. मगर उस बच्चे में हिम्मत बहुत है. हाँ. बड़ी हिम्मत वाला है. तो उनको चोटें तो आई होंगी ना? चोटें तो आई बहुत. हाँ. बट अब भी वो गया हुआ है लंदन. हाँ. और वहाँ वो तकरीबन आखिरी उसकी उसका चेकअप वगैरह होगा. अच्छा अच्छा अच्छा. उसके अच्छा. लिए वो गया है. हाँ. और इंशाल्लाह अब वो बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा. अच्छा, उसकी मैं बहादुरी का जिक्र कर रहा था. वो इतना माशाल्लाह दिलेर है बच्चा कि अब ये हमारे यहाँ कोराम मचा हुआ था. वो रो रही है, वो ये. और मैं, मुझे इत्मीनान था. मैं कहता देखो रो मत. हाँ. वो ठीक है. हाँ. कुछ नहीं होगा. हाँ. तो इतने में फोन बजा मेरा. अच्छा. मैंने फोन उठाया तो अननोन सा नंबर था. हाँ. उठा लिया मैंने. हाँ. तो वो बोल रहा था आपका बेटा. हाँ. ओड़े. जफर. हाँ. कि पापा मैं जिंदा हूँ. हाँ. मैं जिंदा हूँ. और मैं मम्मी को फोन कर रहा था तो वो उठा नहीं रही. तो फिर आपको. मैंने कहा अच्छा, आप लोग तो अस्पताल भागे होंगे बस. तो, हाँ बस वो वहीं था मलीर में. वो अस्पताल था वहीं पे. फिर हम लोग भाई जिंदगी में ये मिरेकल्स होते हैं भाई. कभी कभार आपको कुछ पता नहीं चलता. आप में हम लोग शूट पे थे और जब यही खबर आई तो उसके अंदर पता चल रहा था, मतलब नाम आ रहे थे. हाँ. तो नाम में ज़ारा आबिद का भी नाम आया. हाँ, जो मॉडल थी. मॉडल. और हमने तो सबने काम किया. वह हमारी तो कोलीग थी. हमारे. हाँ. तो हर महीने. हाँ. शो होता था. शो में मुलाकात होती थी. और उस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि नाम आ रहे थे लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे. और शाम में कोई आई थिंक 6 या 7 बजे या बल्कि रात में 11 बजे जाके कंफर्म हुआ. तो सब बहुत परेशान थे. लेकिन आप देखिए ना, जैसे इनका माशाल्लाह बेटा सर्वाइवर था उसका, लेकिन माँ बाप पर कितना डिफिकल्ट वक्त होता होगा. वो उन्हें उसको जिस तरह निकाला है, ये उसके हौसले की तो बात कर रहे हैं लेकिन माँ बाप का क्या हौसला होगा उस वक्त. अल्लाह पाक लवाए. शी वाज द ओनली ब्रेड अर्नर इन हर हाउस. दैट्स मॉडल ना ज़ारा. यस ज़ारा. और फिर खैर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको कुछ देंगे
मुआवजा वगैरह, लेकिन कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि उनका अभी तक जस्टिस नहीं सर्व हुआ है, केस अभी तक चल रहा है और अभी तक उन्होंने नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं कर पाए कि किसकी गलती थी, किसको सजा मिलनी है. तो वो जो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है वो अभी तक जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं. तो एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अगर कोई सुन रहा है देख रहा है इस शो को, तो प्लीज ये बहुत बड़ी एक चीज है और इसका आंसर जो है उन लोगों को चाहिए, तो इस पे जरूर काम किया जाए. बिल्कुल होना. एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हंसते हंसते एक वही याद आता है ना जब आप फ्लैशबैक में चले गए और वो सारी मंजर आपके दिमाग में घूम गया है. वो वक्त गुजरता है और हम भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी याद दिलाती हमें वो सारी बातें. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में. बेबी बाजी की कास्ट है आज और रात को शाम को 7 बजे देखना मत भूलिएगा बेबी बाजी की पहली किस्त. गुड मॉर्निंग. अम्मी बचपन से ना आपने हमारे दिमाग में एक बार डाली है कि बहुएं मैं अपनी पसंद की लेके आऊंगी. इतवार को लड़की वालों को मैंने चाय पर बुलाया और ये फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. तब मजा आएगा ना जब तीनों बहुएं आपस में लड़ेंगी. भाई तीन लड़े ना लड़े, जो चौथी आएगी ना वो तो ऐसा लड़ेगी कि बस. माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की पसंद की है मैंने. यकीनन होगी, बस मेरे टाइम पे अम्मी की आंखों पे पट्टी बन गई थी. तुम शहादत की पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हो बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है. मैंने तो सोच लिया यहाँ वापस की शादी शुरू हुई वहाँ मैंने मैके जाके बैठ जाना. चलो तो फिर जाओ अपने मैके. तीन लफ्ज चाहिए ना लिख के देने, भेज दूंगा. हेलो ड्रामे बंद करो और आके बैठो. वासिफ की शादी की खबर सुन के किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली है. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस ड्रामे का गाना ही इतना अच्छा, मैं चाह रहा है कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की जगह यही लूप चलता रहे बेबी बाजी. सो आज रात 7 बजे आप देखेंगे पहला एपिसोड बेबी बाजी का. और बेबी बाजी के जो मतलब जो और दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने ज्वाइन इन किया है. सऊद भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. एंड वेलकम. इतने दिनों बाद आप ड्रामा करते हुए नजर आ रहे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. नहीं नहीं शुक्रिया तो मैं करूंगा अब्दुल्ला सेजा का, नवीद भट्टी का और अदील सूरी का. जैसे आप हैं और जवेरिया भी हमारे साथ है, जवेरिया सऊद इकट्ठे एज मियां बीवी नजर आ रहे हैं. हसन है अहमद, हसन अहमद में हमेशा उल्टा अहमद हसन या हसन अहमद करते हैं. और सुनीता तो ये इकट्ठे एज मियां बीवी नजर आए, तो ये एक यूनिकनेस है इस ड्रामे की माशाल्लाह. तुबा हमें नजर आ रही है एक्टिंग करते हुए, समीदा और मैं. हाँ अच्छा, ओ अल्लाह ऐसा कुछ ज्यादा. पर मैंने कहा ना तीन तरह के बुजुर्ग होते हैं, घर की खाना नहीं इधर लगेगा उधर लगेगा, तो मैं आपको अच्छे वाले उसमें रख रही हूँ, हिस्से में अच्छे वाले बुजुर्गों में रख रही हूँ, सोच लें. तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है भाई, लड़का लग रहे हैं पक्के. अच्छा मैं भाई इंट्रोड्यूस करा दूं? भाई लग रहे हैं. हाँ भाई मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, फायजा खान हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी? मुझे आप सरप्राइज वाला एलिमेंट है. हाँ कुछ इस तरह का ही है. और सऊद भाई की तरह आई आल्सो वन थैंक अब्दुल्ला सेजा और आई ड्रीम्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इनके साथ. अच्छा. आई ड्रीम का मेरा पहला प्रोजेक्ट है और कैरेक्टर बहुत मजे का है. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम और बहुत इंजॉय किया. बहुत मजा आएगा, आप लोग को भी मजा आएगा, ऑडियंस देखेंगे. थोड़ा सरप्राइजिंग एंट्री रखी है, सरप्राइज रखा है, लेकिन अच्छा है जितना भी. अच्छा और आप हैरान होंगे ये देख के, ये छोटा सा जो बच्चा है अब ये बड़ा हो चुका है और ड्रामे में अम्मा का ख्याल भी रख रहा है फजल. कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक.
मुझे ना तुम्हें देख देख के बार बार फ्लैश बैक में तुम्हारे बचपन की शक्ल आ रही है। तो शुक्र है आपको आ रहा है, वरना बहुत से लोग पहचानते भी नहीं है कि वही फजल है। क्या मुझे कैसे आ रहा है? देख देख के ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कितने बूढ़े हो गए, ये इतना बड़ा हो गया। मैं तो सीनियर इंडस्ट्री फखर की बात है। हाँ। मैंने बचपन में इसकी फिल्म देखी थी, उसके बाद मुझे ऑडिशन किया था इसका पहला। हाँ जी, पहली फिल्म मैंने इसकी जब देखी तो मुझे शौक हुआ कि मैं इसके साथ काम करूं। बचपन किसकी? मेरी बचपन से देखा, आपने अपने बचपन से देखा? अपने बचपन से। अब मुनव्वर अंकल भी यही कहेंगे। हाँ। मैं भी अपने बचपन से देखा। हाँ, बोलने वाले पूछ करने वाले उनके। अच्छा मैं फजल तुम्हारी ना अगले ब्रेक में तस्वीर निकालती हूँ बचपन की, ताकि लोगों को पता चले कि ये वो वाला फजल वही है। वही है ना, वो कहना चाह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल बचपन से देख रहा हूँ इसे। अच्छा, अपने नहीं। हाँ शुक्र है, लेट हो गया जोक। इसका नाम फजल है। क्यूरियोसिटी कम हो गई थोड़ी सी। इसका नाम फजल है। हाँ। मैं इसे कहता हूँ अल्लाह का फजल। ये ड्रामा में भी ऐसे जोक्स करते रहे आप लोग? सीरियस है तो बहुत ज्यादा ही सीरियस है। अच्छा, बहुत मजा आता है। ऑफ कैमरा बहुत ऑफ कैमरा है। मगर मैं एक बात बताऊं, हमने सेट पे बहुत एंजॉय किया। कितने महीने तुम लोगों का प्रोजेक्ट चला ये? 9 महीने। 8 महीने। आपकी शादी देर से हुई थी? मेरी शादी देर से हुई थी, मैं अपने घर में थी। अच्छा, तो मतलब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप जो कैरेक्टर, मैंने ये देखा है अक्सर कि मैंने तो एक्टिंग छोड़ दी लेकिन यासिर एक्टिंग कर रहा होता है या कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है जब आप ड्रामे में कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं जिन दिनों, और इतना लंबा अगर कोई ड्रामा है तो उसका जो कैरेक्टर है वो आप पे थोड़ा सा सवार हो जाता है, और आप जो एक्चुअल जिंदगी में होते हैं उस पर हावी हो जाता है वो। सद भाई आपको कैसा लगा इतने दिन, 9 महीने तक जवेरिया अज़रा के रूप में? क्या वो जवेरिया जवेरिया रही या वो अज़रा हावी हुई? आपको घर जाके कोई फर्क महसूस होता? मैं बताता हूँ, पहले जमीला थी ये जिंदगी की, तो जब वो खत्म हुआ तो अज़रा आ गई जिंदगी। नहीं, नंद भी आया था बीच में, बीच में नंद भी तो आया था। नंद भी थी, बेटियां भी थी, लेकिन घर में हम दोनों साथ रहते हैं, मतलब शूट पे भी साथ और घर पे भी साथ। तो मुझे कोई फर्क महसूस? बात घुमा दिया आपने, सही जवाब नहीं दिया। घर में भी अज़रा और शूट पे भी अज़रा। ये जवाब था। अच्छा अब सुनीता, अब ये मियां बीवी इकट्ठे सेट पर, सही है? तुम मियां बीवी भी इकट्ठे। अच्छा, और हसन जो है वो सेंसर नहीं करता, वो मतलब वो जिस तरह के है, जिस तरह के ऊपर है वो वैसे, मतलब लाइक वो कोई हिडन चीज नहीं रख सकते। होता है ना, हम लोग कभी कभार थोड़ा मुनाफिक दिखा देते हैं, गुस्सा आ रहा है हंस जाएंगे, वो बोल देते हैं, वो उनकी नेचर ऐसी है। मैं जानती हूं, मतलब कि वो जो अगर सुनीता को कुछ बोलना है तो वो बोल देंगे सबके सामने। हाँ, हाँ। तो माशाल्लाह जो कैमरामैन है और जो क्रू है उन्होंने क्या क्या देखा? नहीं तो हमारा तो ऑपोजिट था ना। हाँ, क्योंकि इस ड्रामे में तुम अच्छी बनी हुई थी ना। हाँ। तो मैंने वही कहा ना भाई, इसकी पर्सनालिटी पे असर हो सकता है। हाँ। अज़रा का। हाँ। और उनका नाम क्या था ड्रामे में? नसीर। हाँ। सो नसीर को जो प्रोमो में हम जिस तरह देख रहे हैं, उसका भी कोई नसीर का असर हुआ हसन पे? नहीं। मैं एक सही बात बताऊं, मुझे इन लोगों का कपल ना वाकई बहुत क्यूट लगता है। अगर आप ऑफ कैमरा देखे ना, जिस तरीके से लोग लड़ रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, वो लगता है कि अभी अभी अफेयर हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये बच्चे पे कैसे असर पड़ रहा है? मैं सही बता रहा हूँ, वो हसन भाई ऐसे, और भाई क्या कर रही हो? नंबर तो दो अपना जरा, ये वो इस तरह। मैं कहता यार ये क्या चल रहा है? लेकिन बहुत फ्रेश, बहुत मजेदार रहता है सेट इन लुक पे। जरा बच्चे से पूछे आप दोनों के बारे में भी ना, जरा सऊद भाई और जवेरिया के बारे में बताना तुम्हारा क्या रोशनी बिल्कुल बच्चा है। मेरे मेरे 6 दिन का काम रह गया और इन दोनों के साथ ही मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे बारे में तो अज़रा है ना, वो अज़रा ही है। मेरे और समीना के बारे में सर, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई। आप अपनी समीना को नहीं लेकर आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं क्यों भाई, क्यों नहीं आई? वो कनाडा गई है। कनाडा में? अच्छा, मुल्क से बाहर कह रही थी जाने को जी, जब लास्ट शूटिंग की है। फजल मेरा सवाल वहीं रह गया। हाँ, वो शुरू हो गया। जो तुमने सुनीता और उनके हसन के बारे में बताया ना, कुछ बताओ, कोई तो कोई खुसूसियात ही बताओ। एक बात बताओ यार, मैं बताऊँ, ये सऊद भी वेरी ऑनेस्ट, सऊद भाई ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। किसकी? जवेरिया? जवेरिया जी। हाँ, दोनों वो भी करती है, वो कॉम्प्रोमाइज भी करती है, लेकिन सऊद भाई को मैंने देखा है कि सऊद भाई
बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जरा पर्दा रख रहा है, मैं तुम्हें बताऊं। नहीं नहीं नहीं, सही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो जो है ना, वो है जरा खामोश तबीयत, ठीक है, ये जॉली किस्म की है और इनको जरा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो बेस्ट चीज जो हमें ऑफ कैमरा नजर आती थी वो ये कि जवेरिया को अचानक से गुस्सा आया और उन्होंने जिसमें भी आया, अगर थोड़ा सा गुस्सा उनपे भी आया, उनपे निकाला, लेकिन तीन मिनट के बाद वो वापस आके उनके साथ चिपक के बैठ जाएंगे और फिर उनको बोलेंगे बैलेंस बहुत मजे का है कि भाई कुछ हुआ था, मेरा मुझे गुस्सा आ गया था, वो वहीं के बाद वहीं खत्म हो जाता है, बात वहीं खत्म हो जाती है। भाई ये मुझे पता क्या कहते हैं, ये मुझे क्या कहते हैं, अगर मैं जाके बोलूंगी भाई बहुत गर्मी हो रही है, इसी तेज करो, ये करो, भाई जवेरिया क्या है, आती ही तुम शोर मचाने लग जाती, आराम से बैठो, कुछ नहीं होता। और ये घर में भी यही करते हैं मेरे साथ, और सेट और शो में भी यही करते हैं, घर में भी यही करते हैं। इतनी जोर से हंस रही है इसको, वो नहीं होता है। और फिर इनका कोई किस्सा शुरू होता है और पीछे से इनका एक हाथ आता है, बस बस एक्शन हो गया। अब पुलिस आ गई घर के अंदर ना, अब सब भाई बोल रहे हैं कौन से थाने मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब उसमें ऑब्वियसली इन्होंने पॉज लिया है कि भाई मैं थोड़ा एक्सप्रेशन दूं और डायलॉग बोलूं। हाँ। आके बोल रहे हैं जी मैं चलता हूं आपके साथ, पीछे से आवाज आनी, कौन से पीछे से आवाज आती है जवेरी जी की, कौन से थाने अबे यार जवेरी बोलो यार रुको, एक्सप्रेशन बोलने तो फिर जवेरी समझ गए कि डायलॉग याद दिलाऊंगा, वो कह रही भूल अपने हिसाब से हेल्प कर रही होती है लेकिन ये बड्डा हो गया लेकिन एक बात बताऊं, जब फर्स्ट टाइम काम शुरू किया तो जब मैं सेट पे गया, जवेरिया गई तो काफी सब कड़क चल रहे थे, ये भी कड़क के आंखें ना, माहौल मैंने देखा सेट का अजीब सा था, कोई मोबाइल लेके उस पर टू टू गेम खेल रहा है, कोई उधर मुंह करके बैठा हुआ है, नहीं सब 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 मोबाइलों पे गेम खेल, सब अपना अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस सेट पे दो चार दिन बाद हम ऐसे जेलवस सारे कि कभी बिरयानी आ रही है, कभी हलीम आ रही है, कभी ये लोग कुछ मंगा रहे हैं, कभी हम मंगा रहे हैं, कभी सब साथ खाना खा रहे हैं, तो एक माहौल और इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज छोड़कर गई है आप अभी जब गई है जर्मनी, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या मैसेज छोड़ के गई है? जो उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें, अच्छा अच्छा मैसेज किया कि शायद ये बहुत कम सेट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जहाँ पे कोई टॉक्सिक नहीं होता एनवायरनमेंट और कहीं जेलिसी फैक्टर नहीं होता और हम सब ने बड़ा मिल बैठ कर और बहुत ही प्यार मोहब्बत से पूरे महीने निकाले, तो बहुत बड़ी बात है सबकी दोस्ती भी, वो बड़ी मतलब शी सो सीनियर, उन्होंने हम सबके लिए इतने अच्छे, कोई नेगेटिविटी नहीं थी सबकी आपस में, वो बेचारा अभी चैनल पे देख भी रहा होगा ये मॉर्निंग शो, और इस ड्रामे के डायरेक्टर जो है वो तहसीन, इस ड्रामे की जो राइटर है वो मंसूर अहमद है, ठीक है, आई ड्रीम प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है। जो सबसे ज्यादा पैसा है इसमें वो चिश्ती जो बेचारे एसोसिएट है ना, वो असिस्टेंट है, लेकिन सबसे जो कूल इंसान है ना पूरे इसमें वो है तहसीन, नो डाउट, हैरान हूँ कि वो उसको सारा बर्डन बेचारे असिस्टेंट पे आ जाता होगा ना, कोई चीज पे आके गिर जाए वो, अरे भाई आप सोचे सेट पे 14 एक्टर्स खड़े हुए, सबको हैंडल करना और टाइम पे पहुंचाना, सबको सेट पे लेकर आना, सबको हैंडल करना, फिर सारे जो टेक्निकल भी मसले देख रहे हैं, लेकिन वो एक्टर के साथ अपना मूड इतना अच्छा रखते हैं, द डायरेक्टर हिमसेल्फ वो इतना चिल तरीके से कूल तरीके से काम करते हैं, जिस सेट के ऊपर डायरेक्टर गुस्से में आ जाए ना वहाँ का माहौल वैसे ही खराब, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, जैसा भी माहौल मिले स्क्रिप्ट कैसी भी हो फिर मजा नहीं आता काम, अगर आप पे डायरेक्टर ठीक है, बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस ड्रामे का जो डायरेक्टर तहसीन जी 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 बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने सोचा है कि मैंने अभी तो इसके बचपन की तस्वीर निकाली है, लेकिन अगले ब्रेक में मैं आपके बचपन मिल जाएगी इनके भी दिखाओ, और क्या मेरा बचपन तुमने देखा है, मैं दिखाऊंगी अभी सबको बचपन में भी देख ही लेते हैं, ये फजल को देखे जरा, फजल को दिखाए, फजल की तस्वीर हमने निकाली है, आंखों में क्या ओए 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 ओए
ये था वो बच्चा। कौन सी थी तुम्हारी मेरी जब्बार वाली फिल्म? ये प्रीमियर था उसका, जो पिक्चर है ना ये प्रीमियर की है। चोट लग रहे हो फजल तुम। बाय द वे यासिर के साथ मैंने ड्रामा किया था मलिका, इस वाली फिल्म में इसका पहला ड्रामा था तो वो। हाँ ना, तो तुमने तुम्हारा पहला ड्रामा मलिका था ना। लाइट को देखता रहा, उसने अपने आंखों में आंसू निकाले और जैसे ही आंसू गिरा कहता है ओके टेक करें। मैंने इसके किस्से सुने हैं भाई। नहीं है अच्छा एक्टर है। हमने एक सीन किया 3-4 दिन पहले, बहुत सा सीन किया, बहुत अच्छा काम किया इसने। अब उस वक्त जो ये कह रहे ना आंसू निकालता था ये, अब ये डायरेक्टरों के निकालता है। डायरेक्टर के आंसू निकलते हैं फिर कहते हैं टेक करें। तो हम बिल्कुल एक फैमिली बन गए थे जी। और ये तो खास तौर पे किसकी फैमिली? आपस में, आपस में, आपस में एक फैमिली। ये माशाल्लाह ये बच्ची है तो मेरी बेटियों की तरह बब्बे बिल्कुल। हाँ। लगता था कि सचमुच की है। हाँ। यही है अभी एक मिसिंग है। ये जो है बड़ी मोहब्बत हो गई थी। मतलब इससे ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। ठीक है मतलब हुआ ये मोहब्बत हो गई थी मतलब से। अच्छा अच्छा मैंने कहा इनकी कोई मोहब्बत हो गई। अल्लाह पता नहीं क्या बात। एक तो ये बस अल्लाह माफ करे ये वैसी है जैसी आज से मैंने कोई 50 साल पहले इसके साथ काम किया। नहीं 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 नहीं, मेरे अम्मी अबू की शादी को 50 साल हुआ, आप क्या बना रहे हैं? अगली मेरे अम्मी अबू की शादी आपके साथ कोई और होगी। तुम्हारा अब्बा आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी वाली समझ रहे हैं? तुम्हारा अब्बा भी हमसे छोटा है भाई काफी। तो फिर मैं 50 की कहाँ से आ गई? तुम हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं? तंग कर रहे हैं। तुम 50 की हो गई, हम कब कह रहे हैं कि नहीं? मैं 50 की तो आप तो हुए 90 के। सोच ले मैं तो मानता हूँ बल्कि तकरीबन मुझे 90। ये सबको यही कहते रहते हैं वहाँ पे। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर है ना, जो आप दिखते हैं वो आप नजर आते हैं। लेकिन बहुत जॉली मजेदार आदमी है, बहुत अच्छा है, बड़ा बहुत मजा आया। उस पर तो बड़ी बड़ी उम्रें लिखी हुई हैं विकिपीडिया पे। हाँ, ये विकिपीडिया पे जो उम्रें हैं हमारी, मैं कहता हूँ विकिपीडिया को गाड़ियाँ कौन सी गाड़ी बहुत महंगी। मैंने मैं सोच रहा हूँ क्लेम कर दूं मैं कि भाई सारी चीजें हमें दो। हाँ, हमें चाहिए ये चीजें। छोटा सा क्या ब्रेक आ गई है? हैं? अच्छा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और रात को 7 बजे आज से शुरू हो रहा है ARY डिजिटल पे एक नया ड्रामा जिसके प्रमोशन आप इतनी जबरदस्त देख रहे हैं, बेबी बाजी। और जिसकी खास बात यह है कि ये फैमिली को जोड़ के रखेगी ये ड्रामा। ऐसा कहते हैं ना कि माँ और बाप जो है वो एक मोती की तरह होते हैं जो सारे बच्चों को एक साथ पिरो के रखते हैं। इस ड्रामे में ऐसा क्या होने वाला है? क्या ये मोती पिरो के रखा जाएगा या बंटवारा हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको उसका प्रोमो देखने के बाद? आज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या बदतमीजी है अजरा, जानबूझ के आपने खाना मेरे कमरे में भिजवाया ताकि मेरा मियाँ आए तो उसको कहें कि अजरा तो लड़की कमरे में बैठी हुई थी। अम्मी दादी और ताई की लड़ाई हो रही है। कमरे में भेजा ये सब कुछ ड्रामेबाजियाँ जो है ना, आप अपने बेटे की हमदर्दी हासिल करने के लिए करती है। तौबा 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 अजरा, कभी तो अपने मुँह को आराम दिया करो अजरा। जो जी चाहता है ऑल फॉल्ट बत्ती रहती हूँ हर वक्त। हटाओ भाई, ये सास बहू का मसला कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जब तक मर्द का कचूमर ना निकाल देना इन्हें सुकून नहीं आएगा। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है, पूरी कास्ट नहीं है लेकिन तकरीबन पूरी कास्ट है बेबी बाजी की ड्रामा सीरियल की, जो आज से शुरू हो रहा है ARY डिजिटल की स्क्रीन पे। टाइटल गर्ल नहीं है हमारी, टाइटल गर्ल कनाडा गई है। बेबी बाजी को उनके मियां ने कमेटियां डाल डाल के कनाडा भेजा, जरूरत थी ड्रामे के बाद की वो एक ब्रेक ले। तो बेबी बाजी को इस वक्त बहुत हिचकी आने वाली है, क्योंकि हमने बेबी बाजी को उनकी जवानी का जो है ना वो गेटअप में गया। बेबी बाजी का एक बेटा जो है उसका हांगकांग में बैंकॉक जुनैद जमशेद हीरो भी है, जो वो एक बेटा थाईलैंड में, दूसरा चाइना तो नहीं चला गया, दूसरा सो रहा है घर पे, दूसरा सो रहा है घर पे, वो उसकी तबीयत चाइना वाली है। वैसे भी फिट है हमारी फैमिली में हमेशा से। हाँ, उसको वैसे फैमिली से बाहर ही रखते हैं ड्रामे में। हाँ हाँ वो हाँ, बहुत मूड ऑफ रहता है उनका हर चीज में। हाँ तो उनका कैरेक्टर ही ऐसा जाहिर है। अच्छा तो बेबी बाजी के कैरेक्टर से आप तो प्रोमो में ही वाकिफ हो गए हैं कि ये कोई जलती पे तेल का, क्या कहते हैं, जलती पे तेल का काम करता है, कोई आग बुझाने का काम, फायर ब्रिगेड का काम करता है। तो हर एक्चुअली हर घर में भी अलग अलग कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। हमारे हमारे फैमिली में तीन है, तो मतलब बेबी बाजी की फैमिली नंबर टू नसीर, इनके हस्बैंड जो बने इनके, और नंबर थ्री ये बैठी हुई। आज के एपिसोड में पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी बहू कौन सा बेटा कैसी खासियत रखता है। कोशिश तो की है कि ना पता चले, लेकिन उम्मीद तो है लोग बहुत चला के उनको पता चल जाएगा कौन सी बहू तेज है, कौन सा है आपका फेवरेट। आई थिंक कितने लोगों ने प्रोमो से ही अंदाजा लगा लिया। हाँ, कि कौन अच्छा, सी किसकी तेज है, आपका फेवरेट बेटा कौन सा है ये तो बताएं। ड्रामे में कौन सा, साउथ साउथ भाई, साउथ भाई सबसे बड़ा बेटा। वैसे बावजूद साउथ भाई वैसे भी सबके फेवरेट है। अच्छा बहुत, मेरी तो खैर इनसे बहुत अच्छी दोस्ती, जुनैद की बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे गया ना, तो मुझे एक अजीब सी खबरें सुनने को मिली, क्योंकि हम तो जाते नहीं कहीं, ये मुझे अजीब सवाल कर रहा है, सब डरे हुए, हसन भी पूछ रहा है के? ये पता नहीं क्या अजीब अजीब सवाल आता है। आप बहुत गुस्से वाले और बहुत लड़ने वाले, आपने फिल्मों में चले ना मूंछों वाले कैरेक्टर और अजीब से मेरे बारे में ना उठा के भागना, दहशत फैली हुई थी। मैंने कहा यार ये कौन, नहीं वो है भी जरा लंबे चौड़े थे ना ऐसा लगता है। अरे साउथ भाई ने तो शुरू में तो बहुत मासूमाना कैरेक्टर्स किए ड्रामों में, लेकिन फिल्मों में जो है वो गब्बर और वो मतलब जरा एकदम ना मोटी मोटी हीरोइनों को उठाया हुआ अपने कंधों पे भाग रहे हैं। हाँ ये भी है, ये तो खैर जवेरी उठाने का बोलती नहीं, तो कहते थे मैं थक गया, मैं कहती थी अच्छा भाई उन हीरोइनों को उठाने के पैसे मिलते थे, हम भी देंगे। एकदम हम लोग मैच देख रहे थे, उठा हमें गोद में, एकदम हम लोग मैच देख रहे थे साउथ भाई के घर पर ना, मैच चल रहा था, मैच के बीच में जवेरिया जी ने बोला कि ना साउथ मैच रोके और अपना वो वाला गाना लगाए। अब साउथ भाई यूं बैठे हुए, साउथ भाई ने कहा यूं जवेरिया जी को, जवेरिया तुम क्या कर रही हो ये, और हम सब थे आने भी बुलाया हुआ था इन्होंने। लेकिन एक बात है कि अब जो रिवाइवल ऑफ सिनेमा है ना जी, अब ये लग रहा है सर्वाइवल ऑफ सिनेमाज है, तो इसलिए मुझे दुख नहीं है, जो फिल्में मैंने की मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ कि भाई वो बहुत अच्छी फिल्में थी। तो नहीं मैं इसलिए वो उसका जिक्र किया कि ये एक इमेज बन गया था ना कि कुस्तीला आदमी सेट पे आने वाला, वो पहले से एक होता है ना इमेज बना। नहीं पहले मुझे यही लगता था कि साउथ भाई गुस्से वाले हैं, लेकिन अब आपको लगता है जवेरिया ज्यादा गुस्से वाले हैं। जितने मैं काम कर चुका हूँ ना इस एज के लोगों के साथ, उनमें व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वो मुझसे 2 घंटे छोटा है, छोटा सुने, 2 घंटे छोटा है। अगर मैं इनकी एज का बोल देता फिर भी आपको बुरा लग जाता, अगर मैं इनकी एज का बोलता। लेकिन साउथ भाई जो है वो बेस्ट पर्सन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बड़ा हो चुका है बच्चा, ये बच्चा बच्चा नहीं रहा था, तो आपको अभी तक लग रहा है ये बच्चा बड़ा हो गया। आप इसकी बातें सुने कितने मस्के से मारे, कभी डायरेक्टर को मार रहा है, तुम बहुत आगे जाओ। अरे भाई आप ब्रेक में मुझे साउथ भाई ने कहा था मेरी तारीफ करो। अच्छा मस्के पे याद आया, मस्के पे याद आया, जुनैद को मिस कर रहे हैं हम लोग और इतना प्यार करता था, जो मिल गया इनके सेट से जा रहा था तो जिसने लास्ट दिया था तो लिपट के रो रहे थे सारे भाई, सच मुच रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, ये भी रो रहा था, जुनैद भी रो रहा था। अच्छा एक सीन हमारा ऐसा है कि जिसमें मैं और जुनैद, मेरा और जुनैद का सीन है और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई है, बहुत क्लोज है हम दोनों। उस सीन में वो वाकई जब कट हुआ है ना वो रो गया,
कभी जवेरिया जी ने चुप कराया, सऊद भाई ने चुप कराया, वो चुप ही ना हो। इसमें हम चारों भाई हैं और जब घर वो कहानी में देखिएगा क्या सीन है, तो वो रियल ऐसा लगता है रियल सीन है। इवन के हसन भी क्या करे, अबे यार रुला दिया तुम लोगों ने, तो सख्त आदमी है लेकिन वो इतना कड़क चलता है, वो बिल्कुल कोई अगर होता है ना तो कुछ नहीं उसको फील। अच्छा अब हम बेबी बाजी को जरा हिचकियां देना चाह रहे हैं, वो कनाडा में उनको सोते सोते हिचकियां आनी चाहिए। बेबी बाजी के मुंह के साथ ये किया आप लोगों ने, मुंह क्यों लगाई है? अच्छा अब आप लोगों के बीच में मुकाबला ये है कि बेबी बाजी के साथ जो भी हो रहा है उसका हल कोई आप लोगों ने ढूंढना है, ठीक है ना? दोनों तरफ की टीम्स हैं, अगर आपको जवाब पता है तो आप बजर बजा सकते हैं, अगर आपको जवाब पता है तो आप बजर बजा सकते हैं, आपने बजर पे हाथ रखना है, ठीक है? सही है, आपको छोटों का काम यही होता है, सही है। अच्छा मुझे एक सवाल है, क्योंकि मैं उनके साथ बहू नहीं हूँ घर की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उनके बारे में ये नहीं पूछ रही कि वो कौन सा रंग उनका फेवरेट है, मैं भी आंसर कर सकती हूं। जी बिल्कुल, आपकी टीम है, आप टीम है, ठीक है। आप लोग ये जनाना टीम है या मर्दाना टीम है? बस तो जनाना में आप ही ना बार बार बजर बजाना, हम लोग डिसाइड कर लेंगे जवाब। चलो ठीक है, पहला 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 एक मिनट। ओके, बेबी बाजी की बहू ने किचन में तेल गिरा दिया, वो फिसल गई, घुटने में इतना शदीद दर्द हो गया, अब क्या करेंगी बेबी बाजी? क्या वो धनिया पाउडर पीस के लगाएंगी, ऑप्शन नंबर एक। क्या वो हल्दी गरम करके लगाएंगी, ऑप्शन नंबर दो। क्या वो पान का पत्ता रबर बैंड से बांध के लगाएंगी, ऑप्शन नंबर थ्री। वो बजी नहीं रहा, आप लोग कह रहे हैं हल्दी गरम करके लगाएंगी, इनका बजर नहीं बजा इसलिए तुम लोगों से भी पूछ रही हूं, हल्दी गरम करके लगाएंगे। ये पहले हमने बोला, आपने बोला पहले, इनका यार बजर तो हमने बजाया यार, पहले से ही पता था, मैं बजाने वाली थी बीच में, ये बज ही नहीं रहा यार। तुम लोग क्या ऐसे बिजली, अब कर दो ना, क्या सही करो आके, ऐसे बिजली वाले रखे मेरी लड़कियों ने बजर भी बजा, हम ऐसा करते चुटकियां बजा देंगे। इसका मैं नंबर नहीं दूंगी भाई, हमारी गलती टेक्निकल। वैसे अब बजाओ, सवाल ही कैंसिल कर दें, नहीं भाई सवाल ही कैंसिल, क्या दोनों का जवाब गलत है? गलत है तो आप क्या कहते हैं, बेबी बाजी क्या करे? बेबी बाजी कैसे कहूँ मैं? अच्छा बेबी उस बहू को, इस बहू को जिसने तेल गिराया, जवाब दिया है कि हल्दी गरम करके तेल लगाएंगी घुटने के दर्द भगाने के लिए, क्या ये सही है कि गलत है? सही जवाब, दोनों टीम का सही बजर बजा के देखो। अच्छा मैंने समझा वहां से हल्दी आएगी, अब यार बाजार ही नहीं बाज रहा, शॉपिंग हो रही है। अच्छा वो अगर गलत होगा जवाब तो रेड बॉल आएगी। हाँ बॉल कौन सी, रेड आएगी। हाँ गलत होगा जवाब तो मेरा पूरा जो वाट लगा दी ना माशाल्लाह टेक्निकल फैसिलिटीज ने, मेरी एक्टिविटी की वाट लगा दी है, जल्दी करो। देखिए क्या करूँ अब मैं, ये बजर ही नहीं बज रहा। एक सवाल पूछ लो ना, एक एक सवाल पूछ। ओके दिस इज अ गुड आइडिया। ओके पहला सवाल समझे, इन्होंने पूछ लिया। ओके दूसरा सवाल, बेबी बाजी की बहू ने किसी बात पर तप कर उन्हें रात की बची हुई बासी रोटी खिला दी, तल के खिला दी ना, पानी डाल के और तल के खिला दी। खिलाई बेबी बाजी को उनकी किसी बहू ने। अच्छा। नाम नहीं ले रही, लेकिन किसी बहू ने जेलसी में या रिवेंज में उन्होंने पानी लगा के रोटी बासी जो है, बस करो मुझे नहीं चाहिए ये, आप लोग ही मुझे नहीं चाहिए चीजें, हाँ तो वो उन्होंने खिला दी, ठीक है बहू ने। अब हुआ बेबी बाजी के पेट में दर्द, तो अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, ये आपसे सवाल है कि बेबी बाजी क्या करेंगी। नंबर एक, सौफ का पानी पिएंगी, मुरमुरों का पानी पिएंगी या किशमिश पीस के खिलाएंगी। सौफ का पानी, सौफ का पानी, सौफ का पानी, लॉक कर दे। मैं भी लॉक कर रहा हूं, बहुत इफेक्टिव होता है। लाओ भाई दिखाओ क्या है जवाब, दुरुस्त है? ओके जवाब दुरुस्त, पेट के दर्द के लिए सौफ का पानी, अजरा के लिए भी सौफ का पानी लाया जाए। ओके भाई अगला सवाल, बॉयज से बेबी बाजी के जो मियाँ है ना, उनको उन्होंने ऐसे ही जरा बेबी बाजी के बालों में हाथ ऐसे ही ना मतलब प्यार से डाला,
आपको तो पता है बेबी बाजी के मियाँ कैसे हैं, तो उनको बाल ना जरा रूखे रूखे फील हुए अपनी बेगम के, तो वो अपनी बहुओं से क्या कहेंगे कि मेरी बेगम के बालों में ये लगा दो. ओके, नंबर वन मेथी दाने का पेस्ट लगा दो, नंबर टू या प्याज का पेस्ट लगा दो, क्या लगता है आप? मुझे पता है, तुम नहीं बता दो. आपको लगता है कि ये अपनी बहू को कहेंगे? बहुओं से नहीं कहेंगे, खुद ही लगा दो ये पेस्ट. अगर मैं अगर मुझसे पूछना चाहेंगी तो प्याज का जो पेस्ट है वो लगा के बाकी इनको खिला देंगे, मतलब ताकि दोनों बैलेंस रहे. जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब बैलेंस रहेंगे ना. अपनी बेगम के बाल रूखे महसूस हुए तो आपने कहा कि कोई करो टोटका, बाल सही करो, मेरी बेगम की मुलायम होने चाहिए, तो ये जवाब में कह रहे हैं कि प्याज पीस के पेस्ट बना के लगा दें. सही है, आप गलत बातें करते हैं. ये तो क्या करें, मैं इनसे कहता थोड़ी, तो मैं खुद ही कर देता. तो वही तो कह रहे हैं. तो प्याज का पेस्ट लगाएं या मेथी दाने का पेस्ट लगाएं, क्या करें? दोनों ही नहीं, तेल लगाएं. नहीं, ऑप्शन नहीं है, तेल खुद ही बना ली. दोनों में से कोई एक चूज करें. इन्होंने कहा है प्याज का पेस्ट लगाएं, तो मेरी हाँ भाई क्या है जवाब? दुरुस्त, गलत जवाब. मेथी प्याज का पेस्ट लगेगा तो बाल और रूखे हो जाएंगे, उससे बाल उगते हैं, नरम नहीं होते. मेथी दाने का लगा कर आया था इसलिए मैं पनिशमेंट रॉन्ग. आप लोगों का एक जवाब दुरुस्त है, उनका एक जवाब वेरी गुड है, वेरी गुड. ऐसे उनका एक जवाब रॉन्ग बोलने वाला था. गुड, बहुओं की झगड़े लड़ाई ये सब सुन सुन के घर में चीखम चिल्ली सुन सुन के बेबी बाजी के सर में हो गए शदीद दर्द. अब वो कौन से तेल से अपने सर की मालिश करेंगी कि दर्द सही हो जाए? कद्दू का तेल, खसखस का तेल या नारियल का तेल? नारियल. पक्का लॉक कर दूं? कद्दू का तेल भाई, हाथ उठा. खसखस का तेल क्यों? आपको क्यों बता रहे हो, उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं हार जाएंगे. वो ऐसे ही हैं. हाथ क्यों कर रहा था? वो खारिश कर रहे थे. कद्दू का तेल, खसखस का तेल, खसखाश होता सॉरी, खसखाश का तेल या नारियल का तेल? पक्का सोच लो. कद्दू का सर का दर्द दूर भगाने का? पता नहीं, नारियल का दर्द. नारियल का ही सुना है बहन. हाँ, नारियल ही सुना है. चलो भाई बताओ क्या जवाब दुरुस्त है. लाल बॉल. ये कद्दू का तेल. कद्दू का तेल भी सही होता है. हाँ, कद्दू का तेल सर दर्द के लिए. कद्दू का तेल. मैंने कहा अभी तो पूरे एपिसोड देखने हैं ना, तो तुम लोगों का अगर कहीं चिखम चिल्ली हो घर में और सर में दर्द हो तो कद्दू का तेल लगा. ओके, ये तो फिर ऑडियंस, अगर आप लोग के सर में दर्द हो तो आप लोग फौरन कद्दू का तेल लगा ले. बल्कि जब आप हमारा ड्रामा देखे तो कद्दू का तेल साथ ही रखते हैं. एपिसोड खत्म होते ही. ओके भाई. हाँ अच्छा भाई, सारा दिन बहुएं तो काम करती नहीं है बेचारी, बेबी बाजी को सारे घर का काम करना पड़ता. झूठ है ये, झूठ है. सारा सबसे ज्यादा चाय बनाई है, बस ने काम. देखो ये तो ड्रामा देख के पता चलेगा. अभी तो हमारी जो अजम्पशंस हैं हम वो उससे हम एक्टिविटी हर चीज में इनका एक्सप्रेशन था कि चूल्हा तेज करना है और कम करना है. जैसी लड़ाई हुई चूल्हा कम कर दिया, जैसी लड़ाई खत्म हो गई. इनकी कंटिन्यूटी ट्रे थी, चाय की प्याली थी. जहाँ सीन खत्म होना था तो मैं कहती थी अच्छा मैं आपके लिए चाय. ड्रामे का फोटो शूट हुआ है तब भी इनको ट्रे पकड़ा दी. कंटिन्यूटी. हाँ भाई, तो हुआ ये कि बहुएं ना निकम्मी निकली सारी, काम नहीं करती बेचारी सास इस उम्र में भी, बेबी बाजी इस उम्र में भी जो है वो सारे घर के काम करी, तो उनकी ना एड़ियां फट गई हैं. अब फिक्रमंद सिर्फ एक ही हैं ससुर. हाय बेबी, तुम्हारी तो एड़ियां फट गई. अब वो एड़ियां जो फटी हुई है उनको पता नहीं आवाज भी आ रही है. नहीं नहीं, रोना आ रहा है. रोना आ रहा है वो एड़ियां फट गई ना बेगम की कैरेक्टर में. तो अब वो बेगम की एड़ियों के लिए क्या बनवाएंगे? डॉक्टर बिल्किस को फोन करके. शलजम पीस के लगवाएंगे अपनी बेगम की एड़ियों पे, लौकी पीस के लगवाएंगे या आलू पीस के लगवाएंगे? आलू. अरे तुम लोगों का सवाल नहीं है, उनसे पूछ रही हूँ. शलजम पीस के लगाएंगे एड़ियां फटी हुई अगर, तो मैं आलू पीस के लगाएंगे. हाँ. या तीसरा ऑप्शन क्या था? लौकी.
लौकी लौकी हाँ। अगर ये तीनों चीजें ना मैं तो मिक्स सब्जी बना के खा लूंगा लगाने की जरूरत नहीं है तो बंदा खाए। और मैं ये सोच रही हूँ कि सारे जो सवाल है उनके उनके जो आंसर्स हैं वो सारे टोटको भी डिपेंड कर हाँ घरेलू कैसे सोचा देर आए पर दुरुस्त आए सेगमेंट में वो देर आए थे पर दुरुस्त आए तीसरे चौथे क्वेश्चन से पता चला है आलू आपको लग रहा है एड़िया फटी हो तो आड़ू आलू आड़ू आड़ू आलू पीस के लगा लौकी अगर ऑप्शन है तो आड़ू भी हो सकता है कोई नहीं मैंने आड़ू कहाँ से आड़ू नहीं दिया जवेरिया ने बता ही दिया था आलू साउथ भाई ने इतनी देर बाद बताया नहीं ये मुझे डायलॉग याद आ गया दुनिया वालों आलू ले रहा कांदा ले आलू ले रहा था सही आपका जवाब है कि आलू पीस के लगा बिल्कुल यार ग्रीन बॉल फेंक देना प्लीज दिखाओ भाई क्या पीस के लगा यहाँ पकड़ क्या लगाएंगे दुनिया वालों अगर आपकी बहुएं भी घर का काम नहीं करती और सारा आपको करना पड़ता है नंगे पैर आप फिरती रहती हैं कारपेट के और तो चप्पल शलजम शलजम पीस के लगा है ना शलजम पीस के लगानी सब्जी इतनी महंगी हो गई है ये पीस पीस के पैरों में लगाएंगे अल्लाह माफ करे खाएंगे हम तो भाई मैं तो लगाऊंगा अम्मी को बोलो खा लो खुद ही ठीक हो जाएगी यहाँ तक पहुंच जाएगी नहीं भाई चप्पल पहन लो लोशन लगा लो है चप्पल पहन के रखे लोशन लगा ले वैसलीन लगाते हैं ये टोटका है टोटका हाँ भाई अगला सवाल गर्ल्स आप तैयार है हम बेबी बाजी ने अपना चश्मा लगाया नहीं सही है और आईब्रोज जो है उसकी कटिंग करना शुरू कर दी लकिंग करना शुरू कर दी ऑपरेशन कराया नजर नहीं आया उनको आईब्रो उड़ गई कट गई ज्यादा ओ नो अब वो आईब्रो को जल्दी बढ़ाने के लिए क्या टोटका आजमाएंगी कैस्टर ऑयल लगा लेंगी शायद क्या मैं ऑप्शन दे रही हूँ क्या ग्लिसरीन में सुरमा मिलाएंगी या कोकोनट के तेल में मेहंदी मिला के वो लगाएंगी ग्लिसरीन में कैस्टर ऑयल लगा लेना ग्लिसरीन में सुरमा और दूसरा है कोकोनट में मेहंदी आई थिंक कोकोनट में मेहंदी ग्लिसरीन कैसे लगेगी मुझे ग्लिसरीन लेकिन सुरमा इसके यूज करते हैं उसके लिए ग्रोथ के लिए सुरमा वैसे लगाते हैं बच्चों को भी तो लगाते हैं क्या है सुरमा सही है सुरमा अच्छा दिखाओ भाई क्या सही है क्या लगाना आईब्रो यस ओके सही जवाब ग्लिसरीन में सुरमा पीस के देखें हम खाली ड्रामा ही नहीं दिखा रहे आपको टोटके भी बता रहे हैं और एक्सपर्ट हैं भाई वो बोर होने क्या करूं मैं क्या शुरू कर दूं आज सुबह सुबह सोचे आप टोटके हटा के मैं ये शुरू कहने तो इसलिए ये तो दुश्मन है फॉरेन फॉरेन मेरी नहीं कैरी बो बेबी बाजी की बेबी बाजी की मेरी तो नहीं मेरी तो अच्छा क्या बेबी बाजी की जबान काट दी बहुत चलती थी ओके भाई हाँ जी घर के आदमियों से सवाल है कि बेबी बाजी की जो पोती है वो रात में बेबी बाजी से लिपट के सो गई सर अपना बेबी बाजी के सर से मिला के लगता गंदा सवाल मैं कैसे करूं जुए हो गई और जो स्कूल से सब कारनामे चढ़ा के लाई थी सर में ऑप्शन दे आप हम समझ चाहे पापे खाना बंद कर दें प्लीज तो बेबी बाजी के सर में खारिश हो गई अब वो क्या करें मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ ठीक है ऑप्शन नंबर वन तुलसी का तेल लगाएंगी या फिर कौन सा तेल नीम या नीम का तेल लगाएंगी या तुलसी का तेल बताएं नीम का कड़वा दोनों गलत बताया मैं तुलसी का नीम का तेल मैं चाह रही हूँ लॉक कर दिया बेटे की सुने कि बाप की सुने किसकी सुने बेटे की किसकी सुन लो छोटा है घर में छोटा है क्या करे बताए किससे में माँ ये नीम का तेल लॉक कर दें ग्रीन बॉल फेंक दो यार बार हाँ भाई ये कह रहे हैं नीम का तेल क्या कह रहे हैं सही कह रहे ओके सही सही जवाब सुन रहे बात भाई देखिए साफ तो बात ये इस सेगमेंट में जो है ना आप लोगों ने जवाब दिया एक आध गलत तो हमारी गर्ल्स जीत गई जी अरे भाई अब क्या होगा इनके दो जवाब गलत हुए आपका एक जवाब बना अच्छा ये जो जीत गई इसका मतलब ड्रामा 7 बजे आएगा जी ड्रामा 7 बजे आएगा ARY पे आएगा और कब कब आएगा भाई बताओ जरा कितने दिन आएगा हफ्ते में हाँ ये बहुत ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना बताना 3 दिन मंडे टू संडे
मतलब सातों दिन नहीं नहीं ऐसा नहीं होता करो भाई डेली 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 व्हाट यस संडे भी आएगा मंडे टू संडे आएगा सेवन डेज यानी ये बेबी बाजी के घर में हो क्या रहा है आप रोज देख सकेंगे आपके घर में क्या चल रहा है एक कहानी और एक कहानी इनके घर में क्या चल रही है ये आप देख सकेंगे मतलब दो महीने में ड्रामा खत्म आठ महीने नौ महीने की मेहनत दो महीने में खत्म हाँ तो सही है सब दिखा रहे हैं कार्ड थोड़ी तो माशाल्लाह से लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं कि डेली वो ड्रामे के साथ डेली देखे ना क्या हो रहा है अगर कोई मिस कर दे कोई एपिसोड तो यूट्यूब पे देख ले बिल्कुल बिल्कुल एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग कि आप डेली एक चीज देख रहे हैं क्योंकि हम फिर रिलेट करते हैं लोग कहानियां और मजा बहुत आता है पूरे वीक वेट नहीं कर सकते और इसीलिए मैं आपको आज बार बार समझा रही हूँ कि 7 बजे एयर बाय डिजिटल टीवी में देखिएगा बेबी फर्स्ट एपिसोड आज ऑन एयर हो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सवाल है शायर भेदते हाए उनकी मिजाज खिलांदी रोटी पर मांग देने बर्गर हर वेले कर देने घर आले गड़ ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बेबी बाजी हो या बाजी उनकी बहुएं भी कमाल हैं बाजी की बात चले तो बाजी की मनमानी बाजी का टेंशन की बहुओं को परवानी उसूलों की पक्की सवाल कोई करना नहीं जैसे को तैसा अपनी बात ही मनमानी एक जो बात जमा के ही रखे उसे हिसाब कोई करना नहीं दिमाग जैसे है तलवार बोले ना संभल के बात भी दबानी बेबी की एज ना पूछो देखो तुम की लाश रहती है घर की हर खबर उसके पास संभाल के सभी के बोरा किसी की दादी और किसी की बोसा ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बेबी बेबी वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपकी मुलाकात इस वक्त हो रही है बेबी बाजी की कास्ट से और रात 7 बजे से आप ये ड्रामा ऑन स्क्रीन ARY की डिजिटल स्क्रीन्स पे देख सकेंगे संडे तक ये रोज ऑन एयर होगा आपके घर में ये अलग कहानी चल रही होगी इस ड्रामे में अलग कहानी चल रही होगी और इस ड्रामे से मैं ये कहूँगी अगर कि कुछ होता है ना कि कुछ लोग हर ड्रामा कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं तो सीखते हैं स्क्रिप्ट से आप लोगों ने क्या सीखा अगर मैं ये पूछूं बेबी बाजी कि पूरे एपिसोड खत्म होने के बाद या अभी आप लोग नहीं बता सकते शायद नहीं नहीं क्यों नहीं बता सकते जनरली तो बता सकते हैं हाँ हमने यही सीखा कि आप जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं किसी को पैसे की चाहत होती है किसी को पावर की चाहत होती है किसी को अपने रुतबे की चाहत होती है कि मैं तो ये सारी चाहतें जो हैं अल्लाह के आगे सब खत्म हो जाती हैं आप कितनी चलाकियाँ कर लें अपनी ख्वाहिशों जो उसने सोचा हुआ है वो होगा लेकिन जब आप गलत तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपका अंजाम बुरा ही होगा अंजाम बुरा होगा सेकंडली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इसमें एक जो शायद लोग देखेंगे तो एक लेसन ये है कि जो साथ रहने की एक बरकत है ना उसके ऊपर मुझे लगता है कि इस सीरियल से एक मैसेज जरूर जाएगा कि जाहिर है जो एक फैमिली सिस्टम है हालांकि जाहिर सी बात है इसके अंदर वो पहलू भी दिखाया है कि अलग होने के भी रीजंस अगर बहुएं रखती हैं तो वो क्या होते हैं या क्यों होते हैं वो भी अपनी जगह एक टॉपिक टच हुआ है लेकिन साथ रहना और एक फैमिली जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो दिखाया है वो बहुत अच्छा है। अच्छा यही सारी जो नसीहतें हैं या जो जो आपने सीखा है अगर ये मशवरों के तौर पर निकल कर आए तो कैसा रहेगा हमारे कुछ पब्लिक है जो इस ड्रामे को शुरू होने से पहले ही आप लोगों से कुछ मशवरे करना चाहती है फ़ोन करके आदमी के अगर प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों से पूछा जाएंगे मशवरे ख़वातीन की अगर प्रॉब्लम है कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहते हुए तो वो आप लोगों से पूछी जाएंगी सो इस ड्रामे से जो आप लोगों ने सीखा है वो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं जी कौन है हमारी पहली कॉलर जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम निदा मैं नायला बात कर रही हूँ कराची से बस निदा मेरा भी ये मसला है कि मेरी सास ने नाक में दम कर रखा है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं एक काम के बाद एक काम बताती हैं
अब एक काम खत्म होता है तो दूसरा काम तैयार होता है. इतना परेशान करती हैं, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं. और बस मैं सारा दिन, मैं मशीन तो नहीं हूँ ना, मैं काम में लगी रहती हूँ उसके बाद भी उनके ताने खत्म नहीं होते. जवेरिया कह रही है, सुने जवेरिया कह रही है कि वो आपको कुछ बताना चाह रही है. वैसे सुनीता के हाथ में ना जब से ड्रामा शुरू हुआ है तब से ट्रे है, ड्रामा खत्म हुआ है ट्रे है. तो इनका भी कुछ ऐसे ही मुझे लगता है प्रोमो देखने से हाल है. तो आप जवेरिया आपको मशवरा देंगी क्योंकि ये इस मामले में आपको बेहतरीन मशवरा दे सकती है. आपने करना क्या है जी जवेरिया भाई? जो भी काम बोले उसको गलत करो. रोटियां पकाने को बोले जला दो, सालन बनाने को बोले नमक तेज कर दो, मिर्चे तेज कर दो, कपड़े सही करने को बोले जला दो. जब तुम कोई काम सही करोगी नहीं आईने तुमको बोलेंगे ही नहीं काम. नाहिला समझ गई, तो मैं फोन रखूं ताकि दूसरी कॉल आए जी. ओके, तो ये आपको इसका जवाब मिल चुका है. अल्लाह रहम करे आपके घरों पे. आपके घर ये अज़रा का मशवरा है. अच्छा, ये हाँ, तो मैंने तो अज़रा का मशवरा मांगा है जी. कौन है नेक्स्ट कॉलर? आवाज नहीं आ रही जरा यहाँ पे, जरा जोर से बोले. अस्सलाम मेरे कान में आवाज आ रही है, यहाँ आवाज नहीं आ रही. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम निदा बाजी, बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है, काफी देर से मैं ट्राई कर रहा था. अच्छा, मिल गई भाई, जल्दी से सवाल कर लो इससे पहले कि कट जाए. जी. मेरा मसला ये है कि आपको पता है महंगाई कितनी है. हाँ, बिल्कुल. और जॉब भी नहीं होती अब. हाँ. जैसे ही जॉब से रात में घर में दाखिल होता हूँ ना, तो मेरी अम्मी की सबसे पहली कोशिश होती है कि वो मुझसे पहले बात करें. हाँ. जबकि गेट जो है वो मेरी वाइफ खोलती है. अच्छा. अब वाइफ कहती है कि पहले मैं उनकी बात सुन लूं. अच्छा. इतने में कमरे से आवाज आती है, बेटा जुनैद पहले मेरी आवाज सुन लो, मेरी बात सुन लो, मुझे भी बात करनी है. अच्छा, चला फिर. अब ऐसे में बताएं, अगर मैं अपनी बीवी के साथ जाता हूं तो बीवी कहती है कि माँ कहती है कि बीवी का गुलाम है. अच्छा. और अगर मैं अपनी माँ के साथ जाकर बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो माँ कहती है कि बीवी कहती है कि माँ का गुलाम है. मैं तो फंस कर रह गया हूँ भाई, माँ और बीवी के दरमियान में, दोनों मसले में. मैं इस मसले का क्या हल निकालूं, कैसे चलूं दोनों को. अच्छा, बस अभी हम आपको बता रहे, रुक जाए. इनका जो पहला मसला है ना. हाँ. जो कह रहे महंगाई बहुत है वो. हाँ. इनका नहीं, हम सबका है. हाँ, हाँ, ये तो हम समझ लें इस बात. तो महंगाई का इस बात में क्या ताल्लुक बातें करने में, मतलब उनमें प्रेशर बहुत है. वो कह रहे हैं कि ना गेट बीवी खोलती है और अम्मी आवाज देती है. हाँ. तो भाई नेक्स्ट टाइम दीवार फलांग के जाना ताकि अम्मी से पहले मिलो, फिर वापस आके बेगम जब गेट खोले तो मिल लेना उससे. सबसे इजी तरीका तो ये. अच्छा, ये तो चले बेटे ने जवाब दिया है ना. अगर मैं ससुर से पूछती हूँ आपको आवाज आई, उन्होंने क्या कहा? वो परेशान है बेचारे, फंसे हुए हैं कि अम्मी से घर आती थका आ रहा था, अम्मी से पहले मिलता हूँ तो बेगम चूचू करती है, बेगम से मिलता हूँ तो अम्मी कहती है जोरू का गुलाम. तो करूँ तो क्या करूँ? आप पुराने चावल हैं, तो आप पुराने चावल हैं. आप जरा बताएं एज ससुर उनको करना क्या चाहिए. भाई देखो सीधी सी बात है. हाँ, दोनों से ही ना मिलो. क्या मतलब? सीधे बाथरूम में चले जाए, झगड़ा नहीं होगा ना. अच्छा, मेरे हिसाब से ना माँ का हक पहले. हाँ, मेरे हिसाब से उनसे पहले मिले. सही. अगर बीवी तंग करे दूसरी कर ले, तो ताकि वो दोनों आपस में लड़ती रहेंगी. आप दूसरी कॉल ले ले मेरे ख्याल. पहले तो डिस्कशन ही वो अजीब है ना, गेट खोले तो वहीं वो बात शुरू कर दी उस औरत ने. पहले तो बंदा उसको तमीज सीखा कि यही कौन सा, ये कौन सी जगह बात करनी है. इसीलिए शादी नहीं हुई गेट पे. वो क्या, तो आंटी ने भी वहां से आवाज दे दी है, तो वो यहाँ डिस्कस कर रहा है भाई. पहले गेट पे मिलने थोड़ी सी. पहली बात तो गेट पे डिस्कशन ही होनी चाहिए. तीन अलग अलग मशवरे मिले. ससुर जो है उन्होंने तो कहा बेटा किसी से भी ना मिलो, यानी कि तुम अपनी जिंदगी जियो सिमरन, जाओ बाथरूम में मोबाइल पे लग जाओ, ना माँ से मिलो ना बेटे से. फिर जो बेटे हैं उन्होंने मशवरा किया दिया, जो जाहिर है ड्रामे में बड़े बेटे और समझदार नजर आए, उन्होंने कहा कि पहले माँ से मिलो फिर बीवी से मिलो. और जो दूसरा मशवरा है वो मुझे कुछ हजम नहीं हुआ कि बीवी ना सुने तो दूसरी कर लो ताकि दोनों आपस में लड़ती हो, तो उस पे नावल करो. तीसरे ने तो और अजीब सा मशवरा दे दिया. नहीं तो मैंने कोई मशवरा नहीं दिया, मैंने कहा कि आप डिस्कशन गेट पे क्यों कर रहे हो,
गेट खोलने के बाद वहीं डिस्कशन हो रही है, वो तो अजीब ही बात है यार। बस तुम समझ गए, आवाज आ गई है ना पीछे से। हाँ। अच्छा ला भाई अगली कॉलर दो भाई, समझ गया होगा ना उसका मसला। हेलो हाँ भाई जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम निदा, मैं सुबाना बात कर रही हूँ। हाँ, तो मेरा मसला ये है कि मेरा मियाँ जो है ना पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रखता है, तो मैं उससे पैसे मांगती हूँ तो वो मुझे नहीं देता, कहता है जाके अम्मी से लो। तो मैं अम्मी से लेती हूँ तो वो मुझे कहती है तूने पैसों का क्या करना है, इतने तो तेरे पास कपड़े हैं मेकअप है तो तूने करना क्या है पैसों का। तो मुझे इस तरह परेशान करती है, आप मुझे मेरे मसले का हल बताओ बाजी मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा चलो सही सुनो जरा, बेबी बाजी की बहुओं से पूछती हूँ मैं। हाँ भाई बहू है, मुझे लगता है कि बीवी को इजाजत होती है खामोशी से वॉलेट से निकाले, ना पूछने की जरूरत है। चोरी करे मतलब? नहीं चोरी नहीं हुई तो... ना वैसे भी शौहर का जो है वो अपना ही है ना। हाँ। तो क्यों शौहर का अपना है, क्यों नहीं है? एक हिसाब करके रखा है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए, ठीक है ये देना ये बिल देना ये देना है, और अचानक पैसे गायब हो जाए तो भाई तो शादी ना करो ना, अगर नहीं है पैसे फिर तो दे नहीं सकते तो फिर कर क्यों रहे, डूरे घूमे फिर बगैर शादी के। अम्मा को खिलाते रहे, अम्मा खाती रहे बस। भाई मेरा ये ख्याल है, बहुएं ना लाए फिर घर में। मेरा ख्याल है कि हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनको चाहिए जाके जॉब करें। हाँ। करने ही ना दे जॉब तो फाइनेंशियली खैर इंडिपेंडेंट होना। अल्लाह जो ट्रे वाली बहू है वो कह रही है छोड़ दे। माकूल मशवरा ही। रात को आप देखेंगे जो ड्रामा तो उसमें ये ट्रे लेके खड़ी होंगी, जी जी अभी आए जी, और अभी कह रही है छोड़ भाई। वो तो कैरेक्टर है ना, लेकिन असल जिंदगी शादी की है क्या, घर के काम करने के लिए किए क्या। सो हमें अलग अलग तीन बहुओं ने अलग अलग मशवरे दिए। एक बहू ने कहा खुद कमाए, जरूरत नहीं है मियाँ से पैसे मांगने की, और अगर नहीं काम करने देते तो छोड़ दें। एक नंबर दो मशवरा क्या था आपका, यही था कि आप वॉलेट से चोरी ना लड़ाई करें ना निकाले। चोरी वो है ही नहीं, वो है ही नहीं चोरी, वो हलाल है। हाँ, हर चोरी यही कहते हैं। आपने क्या दिया, चोरी है ही नहीं। आपने मशवरा क्या दिया भाई, क्यों नहीं दे सास को देने के बजाय बीवी को देने, आधे पैसे उसको दे आधे पैसे उसको दे। अच्छा ये क्या बात, तुम भी कोई मशवरा देना चाहोगी? मैं यही कहूंगी, मैं सुनीता और तुबा के ऑप्शन को सेकंड करूंगी। एक तो ये कि जो हस्बैंड के पैसे अगर आप निकाल लें वो चोरी नहीं है, वो आपका हक है। सही। आपकी नीड्स हैं, जब वो दे नहीं रहा तो फिर हक हुआ। हाँ, जब भी आपको, क्योंकि हर, मैं इस बात को भी यहाँ पे क्लियर करूंगी कि हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हाँ। हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन है जो इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ। तो जो नहीं है वो शोहरों पे ही डिपेंड करे, बट तरीके से उस तरह आप किसे निकाल लें, आपकी जेब से निकाल लें। आपको औरत कितना भी कमाए, मर्द की कमाई पे उसकी बीवी का हक है। औरत की कमाई है लेकिन मियाँ की कमाई भी उसकी कमाई है। यस This is the definition. और बल्कि आप हस्बैंड को बता दें, सास को पता ना चलने दें। अच्छा उनको नहीं पता चले ना कि पैसे लिए हैं। बहुत सारे मियां खुद भी नहीं लेना चाहते, कहते हैं ही नहीं, होते भी हैं तो अम्मियों के इल्जाम लगा देते हैं। आपको ऑप्शन सही लगा, इक्वली डिवाइड कर दो वो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि उल्टी सीधी हरकत हो, कि ये ज्यादा सही है। इक्वली मेरे हिसाब से पहले घर के सारे खर्चे निकाल के जो बचे आधा आधा दे दें। हाँ ये ज्यादा बेहतर है, नहीं बचेगा वो तो। एक और बहुत अच्छी चीज हो सकती है आजकल की महंगाई में कुछ, अगर जो अम्मी है ना वो खर्चा संभालती है तो आप बेगम की एक पॉकेट मनी फिक्स कर दें। अगर बेगम कमाती नहीं है एक सर्टेन अमाउंट जिससे वो अपने अखराजा जो उसकी सुर्खी पाउडर वगैरह वगैरह के जो भी है पॉकेट मनी जैसे पेरेंट्स देते थे उसी तरह आप फिक्स कर सकते हैं, उसको उसका हिस्सा दें। कार मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, लेकिन निदा बहुत सारे घरों में शोहर हजरात नहीं देते होते हुए भी बीवी को कि तुम क्या करोगी, मतलब एक्चुअली की बहुत सारी देखो जब तो शादी को इतने साल हो जाए, जैसे ये अजरा की शादी दिखाई है ना, कितने साल हो गए तो वो औरत को समझ आ जाता है, बहू को समझ आ जाता है खर्चा कैसे चला। अच्छा मैं आपको बताऊं इस ड्रामे में जो मुझे एक चीज अच्छी लगी ना, जब ये ड्रामा चलेगा ना लोग खुद रिलेट करेंगे कि यार ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। तो मेरे घर में हो चुका है और ये बात हो चुकी है, ये बात कर चुके हैं। कई बार हम सीन करते हुए कहते थे ऐसा डिजर्व सा लग रहा है ना, हर आदमी इवन हमारे डायरेक्टर साहब से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर अली चिश्ती कहता यार ये तो मैं हो चुका है मेरे साथ। उसामा का नाम भी ले लो, उसामा नाराज हो जाएगा। उसामा देखो तुम्हारा नाम ले लिया, और बता नवीन सबके नाम ले लिए मैंने, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट जितने भी थे साथ हमारे रिदा ने किया मुईज़। ला भाई अगला टोटका क्या पूछना है ला बताओ। हाँ भाई कौन है भाई, किससे बात करनी है? हेलो जोर से बोलना जरा, आवाज कम आ रही है, बहरे हो गए। हेलो हाँ हेलो हेलो जी मैं रमीज बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो जी। मेरा मसला ये है कि मैं जब भी घर आता हूँ ना तो अपनी बीवी के सर पे ना
दर्द वाली पट्टी बंधी हुई रहती है की। अभी ना पिछले दिनों क्या हुआ ना कि मेरी ना प्रमोशन हो गई। सोचा मैंने कि बेगम को कहीं बाहर ले जाऊं, खिलाऊं पिलाऊं। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ ना तो बेगम को मैंने देखा कि उसके सर में पट्टी बंधी हुई है। हाँ। और तैयार ही नहीं है। नहीं। हाँ। अब उसके सर में दर्द है। हाँ। अब बताएं मैं कैसे बाहर ले जाऊं, कैसे खिलाऊं पिलाऊं। अब अगर कहीं बाहर देखता हूँ ना तो बेगम जो है ना वो नाराज हो जाती है कि ये भी एक बड़ा मसला आएगा। अब मुझे बताएं ना मैं क्या करूँ कि इसके सर वाली पट्टी उतर जाए। ठीक है अभी बताते हैं मसले का। कह रहे हैं भाई मैं अच्छे मूड में घर आता हूँ, मेरी प्रमोशन हो गई कि बेगम को बाहर खाना वाना खिलाने लेके जाओ, तो बीमारी पड़ी होती है, पट्टी बंधी हुई होती है उसके सर पे। ये देखो उसकी शादी नहीं, उसको मशवरे देने की सबसे जल्दी है। चुप करो, अभी तुम जमीन से भी निकले हो, चुप करो, बड़ों को बोलने दो। तो अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। जाहिर है जब बीवी मुझे लिफ्ट कराती नहीं तो मैं इधर उधर देखता हूँ। भाई तू सबर कर ले। जब वो इधर उधर देखता है तो बीवी कहती है तो उधर क्यों देख रहे हो, तो अब क्या करे। वो उधर भी नहीं देखने दे रही बीवी। नहीं, उसका तो इलाज यही है कि तीन चार शादी करे यार। ओड़े बाप रे, अल्लाह है। हाँ। तो देखी कि शादी मेरे साथ क्या हुआ। सईद आप देख रहे, वो अगर सुन रही है बल्कि देख रही है तो मैं बता दूं, जब मेरी शादी हुई ना पहले दिन ही मैंने अपनी बीवी से कह दिया था कि देखो भाई मुझे दूसरी शादी करनी है। करनी है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ दूसरी शादी करनी है लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मैंने कहा तुम्हारी पसंद की होगी। आज तक पसंद नहीं की होगी। 50 साल से ज्यादा हो गए शादी को, कोई पसंद ही नहीं आई। मैं वैसे ही फिर रहा हूँ कि भाई अब पसंद होगी तो। आपने ऑप्शन गलत दे दिया। देखिए जो गरजते ना वो बरसते नहीं है एक्चुअली। आपने जो शर्त रखी ना वो आपके लिए भारी पड़ गई। तो भाई यहाँ फोन कॉल्स का सिलसिला खत्म, और अब आपका जवाब देते देते टाइम निकल गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज शो पे आने का। और मुझे दिल से लग रहा है कि बेबी बाजी लोग बहुत पसंद करेंगे आप लोगों का ड्रामा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। और आई लाइक टू थैंक्स एयरवाई टीम, पूरी एयरवाई की जो है, अब फिर दोबारा कहूँगा अब्दुल्ला सेजा, अदील सूरी, ये सब वो है, तहसीन खान, थैंक यू तहसीन, बहुत उसने हमें बर्दाश्त किया, इन सब ने हमें बर्दाश्त किया, हमारे नखरे झेले, जितने छोटे मोटे हमने किए, जो जो बातें की, अगर कोई गलती होगी तो भैया माफ़ कर दीजिएगा, और हमने बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह लोग आज से देखना शुरू करेंगे और ये कंटिन्यू मंडे थ्रू संडे एवरीडे आएगा 7 बजे इंशाल्लाह, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप यकीन एंजॉय भी करेंगे और रिलेट करेंगे। तो ये अभी तो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आपसे मिल रहे हैं 7 बजे आपकी टीवी स्क्रीन पे एक अलग रूप में। बिल्कुल, जो इनके सारे चटखारे थे ये सब आपको मौका मिलेगा सुनने का आज से। सो इंशाल्लाह देखते रहिए बेबी बाजी एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। बेबी बाजी तो चली गई लेकिन जो सारी बाजियों को और बाजियों के उनको जिनकी ज़रूरत होती है यानी अमोर, वो सारी खूबसूरती के जो सारे चीज़ें हैं वो इस वक्त लेकर आए हैं साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, एंड इट्स लवली टू बी हियर ऑन द शो। और आपका जो ड्रामा था बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने आते ही कमेंट किया था कि यू नो वंडरफुल। अच्छा अब हम, अगर आप मुझे इजाज़त में थोड़ी सी बात करूँ, बिकॉज आज बहुत सारी प्रमोशंस हैं जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अमोर की तरफ से हमने हमेशा जो वादा किया वो पूरा किया है। उसामा साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जिनको हमने उमरा का टिकट दिया, मिस्टर मिसेस को, तो बहुत आपको मुबारक हो। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपके पास चांस होगा 1,00,000 रुपये जीतने का या फिर 3 मोटरबाइक जीतने का। अच्छा, अगर आप आज के दिन से, वैसे 3,500 की आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, अच्छा, लेकिन अगर आज के दिन आप 2,500 की भी शॉपिंग करते हैं तो हम आपको दो एंट्रीज देने जा रहे हैं। और यानी कि जो कुरानदाजी में नाम निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, दो दफा इनका नाम, दो इनका नाम डल जाएगा। आज अगर ये सिर्फ 2,500 की शॉपिंग करेंगे तो दो दफा इनका नाम डल जाएगा। सिर्फ आज के दिन के लिए, सिर्फ आपके शो के लिए, सिर्फ आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई खालिद साहब है, खालिद साहब ने शॉपिंग की तो खालिद साहब की जो कुरानदाजी उसमें दो मरतबा खालिद साहब का नाम डलेगा अगर उन्होंने 2,500 की शॉपिंग की आज। और जी आज, और खालिद साहब ने अगर 4,000 रुपए की शॉपिंग की तो खालिद साहब को ये इयररिंग्स जो है उनकी बेगम के लिए या बहन के लिए या मदर के लिए बिल्कुल फ्री मिलेंगे।
चाहिए, 4000 की शॉपिंग पे ये है, प्लीज 2500 की शॉपिंग पे नहीं है, 4000 की शॉपिंग पे। अच्छा, नाम अब 4000 की शॉपिंग पे फायदा ही होगा, बालियां भी मिलेंगी और दो दफा नाम भी जाएंगे कुरान। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, प्रोडक्ट्स हमारी बहुत अमेजिंग है एज ऑलवेज। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फेशियल किट की। आजकल जो मौसम है, जो सीजन है, आपका रंग मुतासर हो जाता है, ये बेस्ट है आज के सीजन। इट इज रियली रियली अमेजिंग। ये हमारी इंटेंसिव व्हाइटनिंग फेशियल किट है और ये बहुत जबरदस्त है। इसमें जो चीजें शामिल है उसका सारा जो तरतीब है वो यहाँ लिखी है, 6 स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको एक थैंक यू कार्ड आपको साथ मिलता है और साथ साथ इसके मुझे बटर पेपर बहुत पसंद है। और ये 6 चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी होती हैं। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये एक फेशियल किट जो है, ये एक फेशियल किट ये तकरीबन 8 से 10 फेशियल्स देने के लिए काफ़ी होती है। अगर आप व्हाइटनिंग फेशियल लेने जाते हैं किसी भी जगह सैलॉन के अंदर जाते हैं तो आपको तकरीबन 7000 रुपये से शुरू होता है और ये 50000 रुपये तक जा सकता है, प्लस आपका आना जाना एंड ऑल दैट। या अगर बहुत आप एलीट सैलॉन में जाते हैं तो 35000-40000 इतना आपका बिल बन जाता है। और अगर आप बहुत नॉर्मल सैलून के अंदर जाएँ तो वहाँ भी 7000 से शुरू होता है व्हाइटनिंग फेशियल एंड इट कुड गो अप टू 15000। और ये आपको 3500 के अंदर 8 से 10 फेशियल मिल रहे हैं। तो आप अभी इसके लिए कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल कमेंट कि जी मैं फिट कैसे रहता हूँ, तो देयर इज ओनली वन थिंग जो मुझे फिट रखती है एंड दैट इज अमोर कर्व। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये ड्रैप इनलिस्टेड है तो ये ड्रैप से मंजूर शुदा है, टोटली ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। और एक महीने में आपका 3 से 4 इंच ओवरऑल बॉडी फैट जो है वो लूज कर देती है। तो आप लिटरली, और आप सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं, डाइट की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो डाइट करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते मेरी तरह से, जो दुनिया में बिरयानी भी खाते हैं, यू नो पास्ता भी खाते हैं, पुलाव भी खाते हैं, कबाब भी खाते हैं, नहारी भी खाते हैं, एवरीथिंग एंड स्वीट्स ऑल्सो, जिनको मीठे का बहुत शौक है, ये उनके लिए है। लेकिन शर्त इसकी, इसके प्रोटोकॉल्स हैं। पहला प्रोटोकॉल ये है कि आपको 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, 14 से 16 ग्लास, और आपको जो खाना खाना है वो इंटरवल्स में खाना है। अच्छा। बजाय इसके कि आप 3 मील्स लें, आप 5 मील्स लेंगे एंड दैट्स इट। इन दो चीज़ों के अलावा आपको किसी चीज़ की डाइट नहीं है, आप जो चाहे खा सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं एंड यू वुड लूज अबाउट 3 to 4 इंचज ओवरऑल। तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये फिर भी आप डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, लेकिन टोटली ऑर्गेनिक है तो इसका साइड इफेक्ट्स वैसे भी नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक और चीज़ जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा रंग जो है बहुत मुतासर हो जाता है इस मौसम में, क्या करना चाहिए। लगाने की चीज़ मैंने आपको बता दी, खाने की चीज़ ये भी ड्रैप इनलिस्टेड है, ड्रैप से मंजूर शुदा है, थायोविट सी इसका नाम है, ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स हैं। हाँ। आप ये ले सकते हैं, अगेन ये न्यूट्रास्यूटिकल है। हाँ। तो इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं आराम से। और इसकी जो प्रमोशन हैं वो दो तरह की हैं, ये वाली भी है और एक और आई थिंक वो छोटी वाली नहीं है, लेकिन ये भी आप ले सकते हैं। ये 50 टैबलेट्स हैं और ये 2 महीने का कोर्स है और आप 4 से 5 दिन के अंदर देखेंगे कि आपकी रंगत में एक वाज़ेह तब्दीली जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो आप ये ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छा, और ये भी प्रमोशन पे है, वैसे ये 7000 के हैं लेकिन आज अगर आप लेते हैं तो ये 4500 की है, लेकिन आप आज ले सकते हैं। और निदा का शो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज के बारे में अगर आप मुझे इजाजत दें बात करूं, एक और सवाल जो मुझसे होता है, मुझसे नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, कि आप अपने बालों के लिए क्या करते हैं। तो देखिए जी, मैं आपको सिंपली बता दूं कि मैं अपने बालों के लिए जो कुछ करता हूं वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। अगर आप गिरते हुए बालों से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके बाल किसी तौर पर कंट्रोल में नहीं आ रहे, वो मुसलसल गिर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हमारे पास इसके, ये डब्बा थोड़ा सा ब्रेक हो गया, हमारे पास इसके लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये हाउ टू यूज़ का कार्ड है, ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है, ये आपको मिल जाएगा इसी तरह से। इसमें तमाम चीज़ें लिखी हैं कि आपको करना क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देखें, एक आपको शैम्पू मिलेगा जो कि यहाँ भी अवेलेबल है, एक आपको शैम्पू मिलेगा जो आपको हफ्ते में रोजाना लगाना है 7 days a week, एक आपको हेयर ऑयल मिलेगा जो आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है, और एक हेयर सीरम मिलेगा जो आपको हफ्ते में 7 दिन लगाना है। अच्छा, इंडिविजुअली अगर मैं बताऊं तो ये जो इसका जो हेयर सीरम है, ये वाला, ये कमाल किस्म का मिरेकल हेयर सीरम है। अच्छा। इससे आपके खोए हुए बाल दोबारा से वापस आ जाते हैं। ओके। लेकिन आपको 7 ड्रॉप्स लगाने हैं और 7 रात लगाने, मतलब 7 दिन लगाने। ये आपको 2.5 महीने के लिए बॉटल लास्ट करती है और उसके बाद, अच्छा, दूसरे तीसरे दिन से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, कम से कम जो बाद आपका हैवी हेयर फॉल हो रहा होता है। हाँ। वो गिरना बंद हो जाता है। अच्छा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने इसको कंटिन्यूसली यूज करना है, आपने अपने बाल बहुत सालों में लूज किए हैं। हाँ। तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, करीबन 2.5 माह के अंदर आप एक वाज़े डिफरेंस देखेंगे कि आपके बाल घने हो गए, उनमें थिकनेस आ गई है और वो बहुत अच्छे हो गए। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये हमारा हेयर लॉस सॉल्यूशन है, ये इसका पैक है, ये आप आराम
से उनको ऑर्डर कर दें, अभी उनको कॉल कीजिए, सब नंबर आपके पास चल रहा होगा, उन्हें बोलें कि जी मुझे हेयर लॉस सॉल्यूशन का पैक चाहिए। अगर आप ये पैक लेते हैं तो जब आप ये पैक ले लेंगे तो आपका नाम वैसे भी 1 लाख रुपये के ड्रॉ के अंदर डाल दिया जाएगा या मोटर बाइक के ड्रॉ में डाल दिया जाएगा 2 मरतबा, और साथ साथ आपको इसके साथ एक ईयरिंग्स जो हैं वो भी एब्सोल्युटली फ्री हम आपको देने जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होंगे। एक आसान तरीका है, अक्सर लोग ये कहते हैं परफ्यूम्स हम सब लगाते हैं गर्मी के मौसम में, परफ्यूम की जरूरत होती है, एंड नेदा आई वांट यू टू ट्राई दिस, मैंने आपको दिया भी था, आई डोंट नो इफ यू लाइक दिस और नॉट, ये डब्बा पैक रखा हुआ है। अच्छा आप अभी तक आप बताइए कैसे, ऑनेस्टली बताइए, पिछले वाले खत्म हो तो ये खोलूं ना। अच्छा आप बताइए कैसे, नहीं मुझे पसंद आया था तभी तो ये लिया था मैंने। अच्छा देखिए ये लम्हे है, दिस इज लम्हे एंड दिस इज स्टोरी। अच्छा पैकिंग बहुत अच्छी है, इट इज़ रियली 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 गुड। वैसे अगर आप लेते हैं तो ये 7000 का है, हमने 50% ऑफ पे इसको 3500 का किया हुआ है, तो आप अगर 3500 का लेते हैं तो भी आपको और ये इस तरह की पैकिंग के अंदर आपको मिलेगा, इट इज़ रियली गुड और बहुत अच्छा। इसकी लास्टिंग जो है 8 to 10 hours की लास्टिंग है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स रियली रियली इफेक्टिव। और आप ये लेते हैं तो इसमें भी आपको कुरानदाजी के अंदर आपको 2 मरतबा आपका नाम जो है वो डल जाएगा। उनसे बोले हमारे परफ्यूम्स 2 हैं, एक है लम्हे और दूसरा है स्टोरी, तो यार उनको मेरा दोनों ही फेवरेट है। हाँ। अच्छा विटामिन्स की जरूरत हर सबको होती है। एक चीज मुझ में तब्दीली आई है, मैं पहले थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाया करता था, टुवर्ड्स द नाइट मैं लेथार्जिक हो जाता था, तो मैंने रोज के हमारे हैं ये रोज के स्किन हेयर और नेल के लिए होते हैं और ये ताकत के कैप्सूल्स होते हैं, हमने वो लेने शुरू कर दिए। अच्छा। ये विटामिन है, एनर्जी भी आ जाती है। ओह ऐसी एनर्जी नदा दैट यू वोंट फील लेथार्जिक इन इवन इन 2 days। आपको रोजाना सुबह एक कैप्सूल लेना है और आप एक वाज़े डिफरेंस देखेंगे। इसको अमोर रोज कहते हैं, अमोर रोज का मतलब है अमोर हर रोज। हाँ। एक टैबलेट आपको हर रोज खानी है नाश्ते के बाद, इट्स रियली 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 अमेजिंग। ये आपके हेयर भी अच्छे करता है, नेल भी अच्छे करता है, और सबसे बड़ी बात ये आपको बूस्ट देता है, इम्यूनिटी आपकी करता है, आपको एक वो जो ताकत चाहिए होती है आपको वो देता है। हाँ। अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और जो मुझे बहुत पसंद है वो हमारी ये अमोर नो मेकअप किट है। हाँ। इसके अंदर भी हाउ टू यूज है वो हमारे पास यहाँ पर इसमें आपको नजर आ जाएगा लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो चीजें शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारी बीबी क्रीम है जो आपको अवेलेबल होती है, ये न्यूट्रल कलर में है और ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। हाँ और इसके साथ साथ हमारी ये 2 टिंट्स हैं, ये आप उनसे पिंक में है और रेड में है, आप उनको बता दें पिंक बॉक्स चाहिए रेड बॉक्स चाहिए तो वो आपको हम भेज देंगे। और साथ साथ हमारे ये ग्लो सीरम है, इसके लगाने का तरीका बहुत बहुत सिंपल है, आपने सिंपली ये ग्लो सीरम अप्लाई करना है, ग्लो सीरम अप्लाई करने के बाद आपने जो बीबी क्रीम है वो लगा देनी है और उसके बाद टिंट लगा देना एंड यू आर रेडी। मतलब गाड़ी में भी बैठ के कर सकते हैं। Absolutely, absolutely. It's really, really, really effective and amazing. अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ी सी कम बात करते हैं और ये रह जाता है, ये हमारा इजिप्शियन गोल्ड, yes, it is amazing. अगर आपको एजिंग के साइंस लग रहे हैं और मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, आप मेरी बहन से पूछ सकते हैं, वो मुझे पकड़ पकड़ के कहती है खुदा का वास्ता कुछ लगवा लो। नहीं लगाता मैं उसका, लिटरली शाइस्ता रियली लिटरली वो इतना फोर्स करती है मुझे, भाई खुदा का वास्ता आ जाओ। मैं नहीं करता, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ जो कि मेरी अपनी प्रोडक्ट है और ये इट्स रियली अमेजिंग। मैं इसको इसके साथ इस्तेमाल करता हूँ, 2 से 3 से 4 ड्रॉप्स रोजाना रात को इसके, और उस पर मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ प्लैटिनम गोल्ड की। सही। ये प्लैटिनम गोल्ड आपकी स्किन को मखमली कर देता है, एकदम से वेलवेटी कर देता है, और ये जो है ये आपकी स्किन को रिंकल फ्री करता है। लेकिन जाहिर है अगर डीप रिंकल्स हैं तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बता दी, आप टाइम देख रही थी? नहीं, मैं पता कर रही थी कि ताकि बाकी सारी चीजें कवर हो। अच्छा, तो आप ये ले सकते हैं, ये हमारा प्लैटिनम गोल्ड पैकेज है, उनको सिर्फ इतना कहें मुझे इजिप्शियन गोल्ड और प्लैटिनम गोल्ड दे दें या मुझे रिंकल फ्री पैकेज दे दें तो आपको ये दे देंगे। इट इज रियल, ये 30 सेकंड के अंदर आपको 2 शेड लाइट भी कर देगा ये वाली क्रीम जो है प्लैटिनम गोल्ड। और इस वक्त बहुत जरूरत आपके सनब्लॉक की भी है। ओह अच्छा, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है ना, मैंने कहा सारी चीजें कवर हो जाए। ये तो मैं आपका शैम्पू जो खुश्कियां हो गई है लोगों की, ये तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। Honestly, आपको कैसा लगता है इसके बारे में? एक और चाहिए मुझे। खत्म हो गया पिछला वाला। ये 100 SPF है, it is amazing. ये निदा का ही है। आप इसे दाने नहीं निकलते मेरे, वरना जो भी सनब्लॉक लगाती हूँ ना मेरे दाने हो जाते, क्योंकि ये जेल बेस्ड है। जेल बेस्ड। अच्छा, और इसके जो व्हाइट रेसिड्यू लोगों को आ जाता है वो भी नहीं होता। नहीं, वेरी और फौरन जज्ब हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप को भी लगा देती हूँ हाथ। आपने सनब्लॉक लगाया आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ। तो दिस इज रियली रियली अमेजिंग। साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप ये एलोवेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एलोवेरा इज अमेजिंग। हाँ। आपकी स्किन को नरिश भी करता है, इस मौसम में बहुत जरूरी होती है। और फिर अभी फाइनली बस हम डिस्काउंट जल्दी से बता दें कि अगर आज लोग 2500 की शॉपिंग करेंगे तो उनका नाम कुरानदाजी में आएगा
दो दफा एक ही नाम दो दफा है, एक ही नाम और कुरानदाजी में मिलेगा क्या? 1,00,000 रुपए मिलेंगे ये चांद रात को कुरानदाजी, 1,00,000 रुपए मिलेंगे या फिर 3 मोटरबाइक्स की कुरानदाजी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर लोग 4,000 की शॉपिंग करते हैं तो उनको कुरानदाजी में नाम ज्वेलरी भी मिलेगा, ज्वेलरी जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे साहिर लोधी अमोहर के साथ और ये थी मैं नदा यासर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।